हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों मैं पाल पालवी वसनाएत डायरेक्टर टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम दोस्तों टिया इंटरनेशनल 1992 में शुरू हुई थी आज से ठीक तैंतीस साल पहले और आज पूरी दुनिया में क्या इंटरनेशनल एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है ग्लोबल ब्रांड बन चुका है क्यास के रिवोल्यूशनरी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचाई है और पिछले 22 सालों से क्या इंटरनेशनल हिंदुस्तान में अपना बिजनेस बढ़ा रही है ठीक है आज से इक्कीस साल पहले कियान्स के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला 21 साल की जो जर्नी रही दोस्तों उसमें मैंने जो चीजें सीखी स्पेशली इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हम उन अनुभवों को आपके बीच में साझा करने के लिए शेयर करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को आपके बीच में बांटने के लिए सो so देट जो जर्नी बीस इक्कीस साल में मैंने तय की मैं यहाँ पूरे जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि ये जर्नी आपको अगले पांच साल में तय कर सकते हैं जैसी कामयाबी मैंने पिछले 21 साल पूरे होने के बाद 21 साल लगाने के बाद जो आज सक्सेस मुझे क्या बिजनेस से मिली है जो सक्सेस मैं आज एंजॉय कर रहा हूं, इस सक्सेस को आप सिर्फ पांच साल में ले सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या वाकई में ही आप ज़िंदगी में सीरियस हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए क्या वाकई में ही आप जो काम 20 साल में होना था अगले 5 साल में करने के लिए तैयार बैठे हैं रियली really, अगर आप सीरियस हैं तो यकीन करना दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है ये जो प्रोग्राम है ये जो मीटिंग है ना ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है क्योंकि पिछले 21 साल में मैं ये कह सकता हूं कि अनगिनत चैलेंज अनगिनत सक्सेस दोनों को मैंने बहुत नजदीक के साथ अनुभव किया है शुरू के जो पांच साल थे मेरी जिंदगी के और उन पांच सालों में पहले तीन साल जो थे वो बहुत हार्डशिप के थे स्ट्रगल के थे बट जो सफलता हमें मिली अनबिलीवेबल थी क्योंकि दोस्तों अगर शुरुआत ही अगर शुरू में ही अगर आपने मेहनत जबरदस्त कर दे डाली तो शुरुआत अच्छी बन जाती है मेहनत ज्यादा करना और उसका रिजल्ट आपको ना मिले ऐसा नहीं हो सकता बट कुछ चीजें जिनको हमने अडॉप्ट किया कुछ ऐसी जानकारी जो हमें अनुभव हुई बहुत सारी जानकारी हमने सुन के सीखी देख के सीखी बहुत सारे लोगों की कामयाबी के कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमें पढ़ने को मिले बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जिन्होंने मार्गदर्शन का काम कर किया और वो लाइफ वो बिजनेस वो लाइफस्टाइल इस बिजनेस ने दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की सिर्फ फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज से मैंने बिजनेस शुरू किया था पंद्रह हजार के सामान परचेज किया था मैंने इस कंपनी का ब्रॉन्ज कार्ड से मैंने शुरू किया था आज आपके पास ऑप्शन है ब्रॉन्ज, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम किसी भी कार्ड से आप शुरू कर सकते हैं और सबका सपना होता है कि हमको प्लेटिनम बनना है प्लेटिनम में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हैं जब आप फाइव स्टार प्लेटिनम बन जाते हैं टियांस में तो नेक्स्ट जो लेवल होता है दोस्तों वो होता है टियांस का एट स्टार बनना है सिक्स स्टार सेवन स्टार तो उस जर्नी का हिस्सा है अगर आप एट स्टार बन गए तो ऑब्वियसली बस एक ही फीलिंग रहती है बस कुछ भी हो जल्दी से ग्लोबल रॉयल्टी पे जाना है ब्रॉन्ज लाइन बनना है सिल्वर बनना है और इस बिजनेस का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कामयाबी का एक फाउंडेशन वाला लेवल वह है गोल्ड लाइन जब आप गोल्ड लाइन बन जाते हैं तो जिंदगी का पूरा नक्शा बदल जा बदल चुका होता है गोल्ड लाइन बनने का मतलब है कामयाबी के बड़े बड़े झंडे गाड़ने का लाइसेंस आपके पास आ गया क्योंकि जब तक आप बन नहीं जाते हैं ना तब तक लोग डाउट करते हैं ख़ुद भी डाउट रहता है बहुत कुछ रहता है क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं तो खुद को एक कॉन्फिडेंस आता है ख़ुद को एक तसल्ली होती है कि जो आपने डिसीज़न लिया था कुछ साल पहले वो डिसीज़न आपके लिए सक्सेसफुल रहा तो इस जर्नी में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी दोस्तों जिसका आज की टॉपिक है टियांस के पास जो प्रोडक्ट हैं बहुत शानदार है बहुत, बहुत जबरदस्त है के पास प्रोडक्ट हैं दोस्तों लगभग डेढ़ सौ दो सौ रुपए से शुरू होती हैं और पचास हजार रुपए तक की रेंज के प्रोडक्ट और एक से एक प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट आपको अपील करता है अट्रैक्ट करता है जो प्रोडक्ट लेते हैं उसी प्रोडक्ट में काम करना आसान हो जाता है क्योंकि लगभग लगभग तीस से चालीस प्रोडक्ट हमारे पास इस टाइम सभी प्रोडक्ट को लेकर आगे बढ़ना शुरुआती दौर में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे आप उतना चीज़ें डुप्लीकेट होना आसान हो जाती हैं और हमारे जो बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का ही है कामयाब लोगों की अगर डुप्लीकेशन करते हैं तो कामयाब होने के चांसेस बनते हैं तो कुछ प्रोडक्ट को लेकर आप आगे बढ़ें शुरू के कम से कम पांच सात प्रोडक्ट आपके हाथ में हैं उन प्रोडक्ट को आप खुद यूज करिए अपने परिवार में यूज कराइए और फिर उन प्रोडक्ट को आप प्रमोट कीजिए और जो बिजनेस है दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है वो चलता है बिजनेस के एनवायरमेंट में लाने से आप प्रोडक्ट किसी को भी बेच सकते हो किसी को प्रमोट कर सकते हो किसी को भी प्रोडक्ट दिया जा सकता है क्योंकि प्रोडक्ट को देने के लिए एक खाली डेमो की जरूरत होती है या मैं कहूं कि एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया आपके पास कॉन्फिडेंस है बिलीफ है फेथ है तो आप किसी को भी दे सकते हो बट बिजनेस को जब डोवल करना होता है उसके लिए चाहिए दोस्तों आपका माइंड सेट बिजनेस माइंड सेट बिजनेस माइंड सेट कैसा होता है उसमें से एक आज का टॉपिक है वो है द नो कंप्लेनिंग रूल इस बिजनेस में आपको ये रूल अपने आप सेट करना होगा कि आप कंप्लेन मोड पे नहीं रहेंगे ये कंप्लेन मोड में रहना एक नेचर है एक माइंड सेट है कमियां देखना कमियों के बारे में बातें करना जो ध्यान है जो आपका फोकस है अगर वो कमियों की तरफ है तो आपको चैलेंज आएगा तो इसके लिए आपको मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जिसको नोट करिएगा और अपने जीवन में उतारिए आपकी जिंदगी में बड़ा जबरदस्त रोल निभाने वाला है रूल मींस रूल जब आप कानून के खिलाफ जाते हो तो कानून क्या करता है आप समझते हैं कानून सजा देता है सजा तो जो रूल है अगर आप रूल के खिलाफ जाएंगे तो आपको सजा मिलेगी मीन्स यू विल नॉट बी सक्सेसफुल आप फेल हो जाएंगे क्या हम कोई फेल होना चाहता है नहीं अगर हम कामयाब होना चाहते हैं ना तो रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा तो रूल कहता है कि अपने माइंड सेट में एक चीज फिट कर दीजिए उसको कहते हैं शिफ्ट टू अ पॉजिटिव माइंड सेट अपने आप को पॉजिटिव माइंड सेट में शिफ्ट करना है जब भी सिचुएशन आए आपके सामने चैलेंज की स्ट्रगल की चैलेंज की रिजेक्शन की ऑब्जेक्शन की आपको लोग इग्नोर करते हैं लोग आपके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं ऐसे टाइम में नेगेटिव होना आसान हो सकता है बट अगर आपका माइंडसेट पहले से पता है आप, आपने माइंडसेट इस तरीके से रखा है कि मुझे कंप्लेन पे ध्यान नहीं देना है मुझे जो ध्यान देना है वो सॉल्यूशन पे देना है कंप्लेन है प्रॉब्लम है कोई मना नहीं कर रहा है लेकिन जब आप प्रॉब्लम की बात सोचते हो ना तो आप उसकी सॉल्यूशन की बात सोचिए एक ऐसा माइंडसेट बनाना है जिससे पॉजिटिविटी आए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े आप क्रिएटिव हो जाओ और कहते हैं जो इंसान कंप्लेन नहीं करता है ना वो खुश होता है खुश रहता है और खुश रहना मतलब अपने आप में एक हेल्दी साइन है अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको खुश रहना मस्ट है अगर आप खुश नहीं है इसका मतलब आप कहीं कही ना कहीं स्ट्रेस में है और आज की डेट में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेस फ्री होना चाहते हो अपने माइंड सेट को हर हालात में हर चैलेंज में हर सिचुएशन में पॉजिटिव स्थिति में डालना है अपने आप को उस तरफ मोड़ना है जिस तरफ मुन्ने से सॉल्यूशन निकले क्रिएटिविटी बने रिजल्ट पैदा हो तो नंबर वन आपको अपना जो फोकस है आपका जो माइंडसेट है उसको इस तरीके से शिफ्ट करना है ताकि आप पॉजिटिव रहें हर हालत में इसके अलावा नंबर टू में बात करना चाहूंगा आपके साथ वह दोस्तों क्रिएट अ नो कंप्लेनिंग कल्चर आपको एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है नो कंप्लेनिंग कल्चर ना तो आप कंप्लेन करेंगे ना आप सुनेंगे आपने क्लियर बोल दिया लोगों को भाई मैं से कोई कंप्लेन वाली बात मत करना मे से नेगेटिव बात मत करना अगर हमें से कोई बात करनी है तो सॉल्यूशन के साथ आना इंसान बोलता ना मुझे खाना नहीं मिला तो आपको ये बताना है कि मेरे को दो रोटी खानी थी जी लेकिन मेरे को मिली नहीं अभी दो रोटी कहाँ से मिल सकती है ये बता दो तो पता तो चला ना कि बीमारी क्या है समस्या क्या है और इलाज क्या चाहते हो कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वही प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम नहीं है यही प्रॉब्लम है क्योंकि नेचर में हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम कंप्लेंट 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 तो ऐसा अपना कल्चर डेवलप करना है अपना एक ऐसा परसोना अपनी ऐसी पहचान कि लोग आपसे कंप्लेन करने में एक बार ना सोचें कि बोलू कि ना बोलू झाड़ पड़ने वाली है पहले बोल रखा है मैं यहाँ पे कोई कचरे का डब्बा थोड़ी हूं कि जो भी कचरा दिमाग में आ रहा है मेरे दिमाग में आके डाल देते हो मैं कोई कचरा का डब्बा हूं तुम्हारा मन किया जी हम तो नेगेटिव हैं जी हैं तो हैं घर में रहो अपने अपने साथ काम करना है तो प्रोटोकॉल को फॉलो करना है रूल को फॉलो करना होगा तुम भी कामयाब होंगे हम भी कामयाब होंगे अगर रोते रहोगे कंप्लेन करते रहो तो घर में बैठो हमें टेंशन मत दो ना हमें तंग करो हमारे पास में डेढ़ सौ करोड़ लोग हैं जिनसे हम, हम काम चलाएंगे अपना वेरी सिंपल जब आपने एक ऐसा कल्चर डेवलप कर लिया तो यकीन करना बहुत सारी समस्याएं बहुत सारी परेशानियां दिखते हैं ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी आपको एनकरेज करना है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे लोग क्रिएटिव फीडबैक दे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फीडबैक दे प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं आपने डिस्करेज करना है लोगों को कंप्लेन से ना खुद करनी है सबसे पहले तो अपने आप से पूछिए क्या आपने सीनियर से आप कंप्लेन करते रहते हो नेगेटिव बातें करते रहते हो प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते रहते हो या फिर आप भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन चुके हैं बहुत पॉजिटिव हैं हर कंडीशन में हर चैलेंज में आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो और दूसरों को भी उसी कल्चर में डालने की कोशिश करते हो आपको इस तरह का माहौल बनाना होगा अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं बड़ी सफलता चाहते हैं तो क्योंकि प्रोडक्टिव इन्वामेंट में लोग इस तरह का कल्चर देखते हैं जिस जगह पर जिन लोगों के साथ में काम करते हैं अगर वहां पर इस तरह का कल्चर हो तो लोगों की जो ग्रोथ होती है दोस्तों जबरदस्त होती है। नंबर तीन है लीड बाय एग्जांपल। एज ए लीडर आपको एक ऐसा ऐसा टोन सेट करना है एक अपने आप को ऐसा रोल मॉडल बनाना है आपने अपने बिहेवियर से कि लोग आपके जैसा बनना चाहें लोग चाहें कि हमें भी इनके जैसा बनना है जैसे ये हर हालात में पॉजिटिव रहते हैं जब देखो ये पॉजिटिव बातें करते हैं जब देखो ये एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं जब देखो ये सुनते हैं आपको सुनना है बट आपने पहले बता दिया ना किसी को कि आपको जो बताना है सॉल्यूशन वाली चीजें बतानी है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है उसके बारे में डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है अब आपने जो काम शुरू किया आपके पास सपोज करते हैं जो भी हमारे पास में एग्जाम्पल है साबुन है सोप है या हेयर ऑयल है अब आप इसका कंपैरिजन ना करें मार्केट वाला ऐसा है हमारा ऐसा है कोई महंगा है कोई सस्ता है कोई कुछ है भाई जो है सोना है सोना सोना वैसे भी सोना है बट मैं कहता हूं ना कि आपके कुछ भी कहने से कोई वो शैम्पू नहीं बदलने वाला कोई साबुन नहीं बदलने वाला कोई ऑयल नहीं बदलने वाला और आप बैठे बैठे आप सोच रहे हो उस कंपनी का ऐसा इस कंपनी का ऐसा ये सस्ता ये महंगा जो है यू हैव टू एक्सेप्ट अगर आप एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हो तो आपकी कामयाबी कोई रोक ही नहीं सकता है तो आपको लीड बाई एग्जाम्पल रहना है आपको सोल्यूशन ऑरिए रहना है हर चैलेंज में सोल्यूशन पैदा करने का एनवायरमेंट ऐसा फीलिंग्स अपनी टीम को देना है तो लीड बाई एग्जाम्पल और नंबर चार बात करना चाहूंगा मैं आपसे रिप्लेस कंप्लेंट विद सोल्यूशन जो मैंने पहले भी कहा लेकिन पॉइंट वाइज लिखिए कि आपका दिमाग में ये बात फिक्स हो जानी चाहिए कि आपने अपनी टीम के लोगों को बहुत क्रिस्टल क्लियर समझाना है कि मेरे भाई मेरे बहन कंप्लेंट वाले मॉडल मॉड mod से बाहर निकल आओ ये जो कंप्लेंट में रहने का जो है ना इससे बाहर निकलना पड़ेगा उनको आपको उनको बोलना है अगर आप उनको बोलते हैं तो लोग क्या करेंगे लोग आपको फॉलो करेंगे उनको पता है कि हम इनके साथ में कोई फालतू की बातें नहीं कर सकते हैं कोई फालतू की नेगेटिव बातें नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, लो ग, avoid करेंगे तो लोग अवॉइड करेंगे आपसे फालतू की नेगेटिव बातें करना कंप्लेनिंग एटीट्यूड से बाहर निकलाएंगे क्योंकि आपने लोगों को पहले से ही समझा रखा है क्लियर बोलना है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम का पता ही नहीं है ना आप चाहते क्या हो आप सिर्फ कंप्लेन लेके आ गए लेकिन आप चाहते क्या हो भाई बताओ आप जो चाहते हो उसकी बात करें प्रॉब्लम तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हो सकती है जो राजा है या मैं कहूं कि आज की डेट में बड़े बड़े टाइकोन हैं, बिलियनियर्स हैं अरबों खरबोपती हैं टाटा बिरला अंबानी क्या लगता है उनको चैलेंज नहीं आता होगा उनको दिक्कत नहीं आती होगी उनको टेंशन नहीं होती होगी उनको तकलीफ नहीं होती होगी मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हिंदुस्तान के राजा ही हैं समझ लो अंबानी टाटाज बिरलास पैसे की दिक्कत नहीं है बट और तो कोई हो सकती है ना कहने का मतलब सिर्फ दुनिया में एक ही समस्या नहीं है पैसा अनगिनत समस्याएं हैं उनमें से एक समस्या पैसा है तो खाली पैसा ही नहीं चाहिए पैसे के साथ शांति चाहिए सुकून चाहिए खुशी चाहिए उसको सेलिब्रेट उसको एंजॉय करने की वो टाइम चाहिए तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ काम करना जब भी आपके सामने चैलेंज आए जब भी आपके सामने आपकी टीम आकर आपको अपने चैलेंज बताए एक चीज बड़ी क्लियर कर दी आपने कि आप जब भी हमारे पास आए तो आपको ये पता होना चाहिए चाहिए क्या प्रॉब्लम है सॉल्यूशन क्या चाहते हो और एक प्रोएक्टिव माइंडसेट बन जाता है इससे जो लोग हैं वो एम्पावर हो जाते हैं उनको एक ओनरशिप लगती है उनको लगता है या हम खुद भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं चैलेंज को हम लोग जीत सकते हैं या कोई भी समस्या है जो है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं लगती है क्योंकि आपने ऐसे कल्चर में उनको डाल दिया है कि उनको लगता है कि जब समाधान मैंने ही बताना है ना तो फिर मैं अपनी प्रॉब्लम लेकर जाऊं ही क्यों आप गए तो हुआ क्या कि आपने उनको ओनरशिप दे दी अभी तक उनको लगता है ये आ, हमारी आपकी कंपनी है जब तक आपकी टीम को यह लगता है कि ये कंपनी वो हो ना कि मेरे सीनियर ने मेरे को फोन नहीं किया मेरे सीनियर ने मेरे से बात नहीं की मेरा सीनियर मेरे से बात नहीं करता है मेरा सीनियर मुझे फोन नहीं करता है ये जो इस तरह की है ना फीलिंग्स इसके मतलब ओनरशिप नहीं आई है या आप अपने सीनियर के लिए नहीं कर रहे हो काम ये खुद के लिए कर रहे हो और एक सीनियर ने नहीं बात की तो कोई बात नहीं दूसरा सीनियर है ना तीसरा सीनियर है ना चौथा है ना हो सकता है आप लक्की लिए आपके पास बहुत सारे सीनियर हैं और सीनियर में भी उनसे बात करना है जो वाकई एक्टिवली वर्क कर रहे हैं टियांस के अंदर जो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं टियांस में खाली सिर्फ वही सीनियर है बाकी जिसने सिर्फ जन्म दिया अब उस बिजनेस में नहीं है किसी वजह से वो सीनियर नहीं है वो सिर्फ जन्म देने वाला सीनियर है बाकी वो कर्मों वाला सीनियर नहीं है नंबर चार था कि आपको अपनी कंप्लेंट वाली चीजों को सोल्यूशन में रिप्लेस करने की हैबिट डालनी है और यही अपनी टीम को सिखाना है इससे आपकी टीम एम्पावर होगी इंडिविजुअली वो अपना काम करेंगे हर प्रॉब्लम को हर चैलेंज को कैसे सॉल्व करना है इसका उनके पास एक फीलिंग रहेगी आइडिया रहेगा और यकीन करना अगर आज दस में से नौ बार आपके पास आते हैं सिचुएशन तो ये हो जाएगी कि दस में से हो सकता है दो बार या तीन बार आपके पास आएंगे कितनी बड़ी बात है तो इस तरीके का कल्चर इस तरह का माइंड सेट द नो कंप्लेनिंग रूल का ये फॉर्मूला नंबर चार फॉर्मूला नंबर पांच है दोस्तों प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड जो कि आई डी नेट सिस्टम का अगर मैं कहूँ ना बेंच मार्क है हमारे सिस्टम में हम हमेशा आप सबको एक ही बात कहते हैं थैंक यू टू गॉड थैंक यू टू फैमिली थैंक यू टू टियांस थैंक यू टू ऑल बिजनेस पार्टनर्स मेंटर्स गुरु सिस्टम एवरी वन ये जो थैंक यू का जो कल्चर है ये आपके अंदर से कंप्लेन की बीमारी को खत्म कर देता है जो कंप्लेंट की बीमारी है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है जब आप ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में आते हैं क्योंकि जब आप थैंक यू वाले नेचर में आते हैं दोस्तों तो आप उन कमियों की तरफ ध्यान नहीं देते हो जो आपके पास नहीं है ना जो आपके पास अभी तक नहीं है फिर आप उसकी तरफ ध्यान ना दे के आप उसकी तरफ ध्यान देते हो जो आपके पास है आप उसके लिए थैंक यू करते हो भगवान का कि मेरे पास तो दो आंखें हैं भगवान ना जाने कितने लोगों के पास आंखें भी नहीं है मेरे पास तो दोनों हाथ हैं ना जाने कितने लोग इस दुनिया में जिनके हाथ नहीं है ना जाने कितने लोग ऐसे जिनके पाव नहीं है ना जाने कैसे कैसे चैलेंज हैं लोगों की जिंदगी में शुक्र है आप कितने अमीर हो सोचो आप किसी को एक हाथ लेना पड़ जाए ना करोड़ों रुपए दे नहीं मिलेगा टांग लेनी पड़ जाए तो करोड़ों रुपए के नहीं मिलेगा आपको मालूम है तो हम लोग थैंक लेस बन गए क्योंकि हमको ना तो ट्रेनिंग मिली ना कहीं ऐसा एजुकेशन मिला ना कोई ऐसा माहौल मिला स्कूल कॉलेज में गए तो स्कूल जाओ कॉलेज जाओ डिग्री लो फिर नौकरी करो नौकरी करेंगे तो क्या मिलेगा पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे शादी हो जाएगी शादी हो जाएगी तो क्या होगा बच्चे हो जाएंगे बच्चे हो गए तो क्या हो जाएगा खर्चा बढ़ जाएगा फिर चक्की पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग लास्ट में है ना पहले सोचता आदमी की नौकरी आएगी मौज होगी नौकरी होगी तो शादी होगी हो तो मौज होगी बच्चे होंगे तो और मौज होगी बच्चों के बच्चे होंगे तो मौज होगी फिर तो राम नाम सत्य होगा तब मौज होगी तो मौज कब होगी कहने का मतलब वो मौज तो हुई नहीं ना बिकॉज ग्रेटिट्यूड में हम थे ही नहीं कभी नहीं तो मौज तो अभी है आज ही इसी वक्त इस टाइम मौत जाए हमारे बिजनेस को कुछ लोग कहते हैं ये एमएलएम का बिजनेस है मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल है जो आप सोचते हो वो तो है ही है लेकिन एक और है जो मैं सोचता हूं कहते आप क्या सोचते हो मैं बोलता हूं मजे लो मजे ये वो बिजनेस है एमएलएम मतलब मजे लो मजे ये बिजनेस है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग तो आपके हिसाब से है जो है बट असल में ये बिजनेस एमएलएम का ही है मजे लो मजे का बिजनेस तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड कमियों की तरफ ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे परेशान रहोगे गालियां निकलेंगी सीनियर के लिए माँ बाप के लिए सबके लिए दोस्त के लिए यार के लिए उसने मेरे लिए ये नहीं किया उसने मेरे लिए, लिए ये नहीं किया मैंने किया मैंने किया तुम ना जब तुमने किया तो फिर क्यों भिखारी की तरह रो रहे हो तुम इतने बड़े दाता हो इतने बड़े हार हो तो फिर क्यों रो रहे हो भाई अगर आप नहीं किया तो कर लो ना अपने लिए तुम दूसरों के लिए कर सकते हो तो खुद के लिए नहीं कर सकते हो क्या आप समझ गए ना कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है जब ये फीलिंग आती ना मैंने किया मैंने किया तो असल पता चलता है कि अगर तुमने करने का तुम्हारे बस की थी तो फिर अपने लिए कर लो क्यों दोस्तों के ऊपर तरस रहे हो क्यों उम्मीद कर रहे हो कुछ नहीं किया कहने का मतलब दोस्तों कमियों की तो ध्यान ना देकर जो चीजें हमें भगवान ने दी हैं शुक्र मनाना है थैंक यू करना है इससे आपके ये नो कंप्लेन वाले रूल जो है ना फॉर्मूला फिक्स हो जाएगा जिंदगी में कंप्लेन वाले मोड में नहीं जाओगे और जो कंप्लेन नहीं करेगा उसकी तरक्की को भगवान के अलावा कोई रोक ही नहीं सकता है और भगवान क्यों रोकेंगे जब फार्मूला ओके चल रहा है रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो आप कामयाबी के फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी हताशा निराशा नहीं आएगी क्योंकि आप तो खुश हो जो भी दाता ने दिया ना शुक्रदाता है ना शुक्रिया था ना शुक्रदातिया जो भी दिया कहते ना पंजाबी में भजन है शुक्राना है ना शुक्रदातिया जो भी मिला है औकात से ज्यादा मिला है जो भी मिला है उन करोड़ों करोड़ों के 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में कई अरब लोग ऐसे हैं जिनको वो नहीं मिला जो हमारे मिल चुका है तो शुक्राना कीजिए एक्सप्रेस कीजिए अपने ग्रेटिट्यूड को जिससे क्या होगा ना प्रोस्पेक्ट करने में और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है हाई होगा हर रोज काम करने का मन करेगा दिल करेगा हर रोज सोचोगे आप आगे की तरफ बढ़ने की तरफ सोचोगे क्योंकि जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो क्रिएटिव नहीं होता है कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है जब फ्रस्ट्रेशन में होता है नेगेटिव होता है कंप्लेनिंग एटीट्यूड में होता है नो no कंप्लेन ये एटीट्यूड है ये माइंड है दोस्तों इसी के ऊपर आज की ट्रेनिंग है यह नंबर छ है आपने फोकस करना है उन चीजों पर जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो जिन चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो उन पे फोकस नहीं करना है जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल किस पे आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस कीजिए अपनी एनर्जी को रिडायरेक्ट कीजिए और बहुत सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर हैं एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं जो हमें से मैंने कहा ना अभी प्रोडक्ट लोग बोलते हैं कि महंगा है महंगा सस्ता इस दुनिया में कुछ नहीं होता है आपकी जेब में पैसे है दुनिया में हर चीज सस्ती है आपकी जेब में पैसे नहीं है दुनिया में हर चीज महंगी है और मार्केट में एक बेंच मार्क अगर कोई भी कंपनी है अगर आज आप रिबॉक के जूते लेने जाओ नाइके के जूते लेने जाओ एडिडास के जूते लेने जाओगे तीन हजार चार हजार पांच हजार सात हजार आठ हजार दस हजार बारह हजार पंद्रह हजार बीस हजार पच्चीस हजार रुपए के जूते हैं आप सोचो दुनिया ले रही है और ये दुनिया के बिगेस्ट ब्रांड है ये लार्जेस्ट कंपनी है ये वन ऑफ द वर्ल्ड की जूते बेच के सोचो जूते खाली जूते अब ये बताओ जूते बीस हजार के जूते पहनने की क्या जरूरत है एक लाख रुपए के जूते दो लाख के पांच पांच लाख के भी जूते हैं और बोलो पांच लाख की तो गाड़ी आ जाती है या अल्टो लोग जूते लेते हैं बिकती है आपने घड़िया देखी होंगी ना घड़िया रोलेक्स की घड़िया बड़ी बड़ी कंपनियां तीन लाख पांच लाख आठ लाख दस लाख से तो शुरू होती है बीस लाख तीस लाख चालीस लाख पचास पचास लाख की घड़िया एक घड़ी खाली सोचो टाइम वो भी वही देती है जो दूसरे वाली सौ रुपए की घड़ी भी वही टाइम देती है और वो एक करोड़ की घड़ी भी वही टाइम देती है पर फर्क ये है जब एक करोड़ की घड़ी लगाई हो ना तो औकात का पता चलता है कौन है घड़ी किसके हाथ में दैट इज द डिफरेंस रोलेक्स किसने पर लोग लेते हैं कि लोगों को पता चले रोलेक्स पहन रखी भाई समझ लो आपकी जो एनर्जी है आपने उसको रीडायरेक्ट करना है उन चीजों पे फोकस करना है आपके पास क्या है कंट्रोल में जिसको आप प्लान दिखा रहे हो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो नए आदमी के पास चले जाइए वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो नए आदमी के पास चले जाइए नए आदमी के पास, के पास जाना आपके कंट्रोल में है लेकिन सामने वाला ज्वाइन नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती तो नहीं करा सकते हो ना वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर क्या को टेंशन लेते हैं हम तो हमको टेंशन लेना नहीं है हमें पता होना चाहिए हमारे काम का नेचर क्या है और इस काम में मुझे अगर कामयाब होना है तो मैं कैसे हो सकता हूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जब इस काम को हम करते हैं तो ये जो है नेचर जो है ना ये माइंडसेट जो है नो कंप्लेन वाला माइंडसेट है ये आपको एम्पावर करता है कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच में रहते हो पॉजिटिव चेंजेस रहते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव एक क्रिएटिव रिजल्ट ओरिएंटेड आपकी सोच होती है आप खाली ट्राई मारने के लिए नहीं आते हो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि आपने चीजों को ध्यान उन चीजों को देना है जो हमें कर सकते हैं जो नहीं कर सकते उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आप अपनी अपलाइन को नहीं बदल सकते हो अपलाइन जो है वो है अच्छा है बुरा है जैसा मर्जी है डाउनलाइन जैसी मर्जी है अगर कोई डाउनलाइन नहीं समझती है नहीं सुन रही है नहीं मानती है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है नेक्स्ट दिस इज वेरी सिंपल और नंबर सात है दोस्तों जब आप नो कंप्लेट रूल में जाएंगे कंप्लेंट में जाना ही नहीं है तो उसके लिए जो माइंडसेट चाहिए उसको क्या दिमाग को ट्रेन करना है एम्ब्रेस चैलेंजेस एस अपॉर्चुनिटी कहते स्टेपिंग स्टोन जो प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम है इसीलिए मौका है और जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना ही बड़ा मौका है तो जितने भी चैलेंज आती हैं आज आपको लोगों को समझाना नहीं आ रहा एक चैलेंज है इसका मतलब आप समझाना शुरू कर दीजिए कुछ दिनों बाद आपको समझाना आ जाएगा तो कैसा चैलेंज है समझाना नहीं आता था और समझाते समझाते इस चैलेंज को आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया आता तो नहीं है करेंगे आता तो नहीं है करेंगे आता तो नहीं है करेंगे आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो एक दिन महसूस कर रहे हो आप आप भाई साहब तो मुझे अच्छे तरीके से आता है है ना क्या हुआ आपके सामने एक चैलेंज आया था जो नहीं आता था वो आना शुरू हो गया गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो चैलेंज था अब यह अपॉर्चुनिटी है गाड़ी चलाना सीखने का चलाना सीखना शुरू कर दीजिए चलाना शुरू कर दीजिए गाड़ी चलानी आ जाएगी तो ये माइंडसेट है आपको हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है लोग आपको समझा रहे हो सुन सुन लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या लोग जुड़ गए काम नहीं कर रहे हैं लोग जुड़ गए सिस्टम में नहीं आते हैं सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग नहीं ले रहे लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं सुनना किसी नहीं चाहते हैं जैसे वो है वैसे रह के सोचते हैं हम करोड़पति बन जाएं जो कि इम्पॉसिबल है उसको तो बदलाव करने पड़ेंगे ना देखिए आपने देखा होगा ना पहले के ज़माने में अभी तो बहुत साल हो गए मुझे रेडियो देखे हुए रेडियो के जमाने में आपने देखा होगा एक स्टेशन आता था विविध भारती उसमें बड़े गाने गुने चलते थे राइट तो जब हम उसको लगाते थे रेडियो को तो वो बड़ी आवाज़ डिस्टर्बिंग आती थी फिर हम उसको ट्यूनिंग करते थे जैसे उसको ट्यून करते थे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट फिर देखते कि आवाज़ साफ आ रही है क्या हुआ सिग्नल कैच नहीं हो रहे थे लेकिन सिग्नल कैच होने शुरू हो गए तो फाइन ट्यून करना बोलते हैं इसको तो आपको फाइन ट्यून करना है जब आप चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में लेते हो तो आपकी ट्यूनिंग बन जाती है आप ट्यून हो जाते हो आप लर्निंग एटीट्यूड में आ जाते हो आप लर्न करना चाहते हो क्योंकि चैलेंज को ओवरकम करना है लर्निंग एटीट्यूड में आ गए तो आप कंप्लेन से बाहर निकल गए और आपका जो ग्रोथ माइंडसेट बन गया अपने आप ही आपके अंदर एडवर्सिटी को चैलेंज को झेलने की ताकत आ गई अब आपको कोई भी समस्या समस्या नहीं लगेगी समस्या आपके लिए एक समाधान ढूंढने का बहाना मिल जाएगी दिस इज द पावर ऑफ माइंड सेट आपकी सोच में चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है मुझे जिंदगी में ऐसा माइंड सेट आपने हमेशा अपने दिल में रखना है ये स्पेशल तरीके से ही सोच से ही इनका जैसा सोचोगे वैसी दुनिया नजर आएगी हर दिक्कत है ना कहीं पर तो सिर्फ सोच में है दुनिया में दिक्कत तो नहीं है अगर दुनिया में दिक्कत होती तो कोई कामयाब नहीं होता जब इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं बट अगर आप नहीं हो रहे हो तो कहीं ना कहीं तो वो फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कि नहीं बिल्कुल करनी पड़ेगी तो सातवां पॉइंट है अपने चैलेंज को एम्ब्रेस कीजिए और एज ए अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट कीजिए नंबर आठवां पॉइंट टोटल आज नौ या दस पॉइंट होंगे आपके लिए आठवां पॉइंट है एंकरेज सपोर्टिव कम्युनिकेशन सपोर्टिव कम्युनिकेशन आप ये मत सोचो कि लोग खुद ही करेंगे फिर वो मजबूत हो जाएंगे तगड़े हो जाएंगे और वो ये चीजें बहुत सारी चीजें दोस्तों हमेशा ना लागू नहीं होती एक आदमी जो सक्षम है आप उसको छोड़ सकते हो कि वो अपने दम पे करे आपको लगेगा आपको अपने बच्चे के बारे में इंसान को खुद पता होता है मेरे बच्चे कैसे कैसे हैं एक बच्चे का पता होता है ये तो कर जाएगा और दूसरे बच्चे का पता होता है जब तक इसको थोड़ा धक्का नहीं मारा ना तो ये बच्चा नहीं कर पाएगा अगर आपने बराबर एक ही डंडे से गधे और घोड़े को मारा ना तो गड़बड़ हो जाएगी आपको पता होना चाहिए कि किस को मुझे सपोर्ट करना है कब तक करना है कितना करना है कैसे करना है पर्सन टू पर्सन जो ऑलरेडी दमदार है सक्षम है कर सकता है उसको सिर्फ ब्रीफ कर दिया आपने तो कर जाएगा लेकिन जिसमें पता है इसको कराना भी है करना भी चाहता है लेकिन अभी इसमें इतना दम है नहीं उसको कहीं ना कहीं आपको आत्मबल मनोबल पुश सपोर्ट देना बनेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन करना आपकी टीम में कंप्लेंट का रेशियो कम हो जाएगा सबसे पहले तो जो ट्रेनिंग में आज आपको दे रहा हूं, ये ट्रेनिंग आपको अपनी टीम को देना पड़ेगा अगर इस इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं है इंसान उसको आप जितना मर्जी समझा दो उसको अगर घी में भी नहा दोगे ना आप फिर भी वो एहसान फरामोश निकलेगा आप जितनी मर्जी मदद कर लो बाद में उल्टा जड़े भी आपकी खोद रहा होगा वो समझ हो जब तक करना जब तक जरूरत पूरी होती है वो तो नहीं इज्जत भी तब तक है जब तक आपने उसकी जरूरत पूरी की जरूरत खत्म कर दी है आपने उसकी मदद खत्म कर दी तो पता चल रहा उसके बाद इज्जत करने के लिए खत्म कर दी इज्जत क्यों कर रहा था क्योंकि उसको जरूरत थी आपकी ये जो कल्चर है ये दोस्तों ये माहौल इस तरह का मनोबल इस तरह का इस तरह का माइंड अगर नहीं ना वहां होने ही होना है तो हम सबको एक ही काम करना है दोस्तों कि माहौल के अंदर डालना है अगर आपकी टीम के लोग यहाँ बैठे हों यकीन करना आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है मैंने कल भी कहा था ना जिसको समझना होगा ना उसको तो समझ आ ही जाएगा और जिसको नहीं समझना होगा ना उसको तो भगवान कृष्ण जी भी नहीं समझा पाए थे नहीं तो महाभारत थोड़ी होता कल बोला था ना मैंने जिसने नहीं सुनना है ना उसने बर्बाद होना ही होना है आप कौन होते हो ठेका लेने वाले को जबरदस्ती बन रहे हो भगवान कृष्ण तो इसलिए माहौल में डाल दो कहते ना सोने पे सुहागा एक तीर से दो निशाने खुद भी ट्रेनिंग ले ली सामने वाले को भी दिलवा दिया और फिल्ट्रेशन भी पता लग गई जो फॉलो कर रहा होगा मामला सेट और जो नहीं फॉलो कर रहा है तो पता है भाई साहब ज्यादा उम्मीद नहीं है कर लिया तो बहुत बढ़िया नहीं कर लिया तो हम तो नई तलाश में लगे हुए कल का टॉपिक क्या था आपने सुना था ना कल का टॉपिक क्या था कल था लिखा हुआ द बेस्ट अपने प्रति अपने बारे में सेल्फ डिग्निटी खुद के बारे में आत्म सम्मान जबरदस्त होना चाहिए हमेशा सोचिए यस आई एम ओनली द बेस्ट नहीं उसको बोलते ईगो है ना आई एम ओनली द बेस्ट नहीं आई एम द बेस्ट आई एम एमंग बेस्ट जो बेस्ट दुनिया के लोग हैं उनमें से एक मैं भी हूं ऐसी धारणा आपकी हमेशा रहनी चाहिए तो डायमंड्स यू आर द बेस्ट राइट इसका मतलब यही था और इसका मतलब यही था कि डायमंड बहुत हैं डायमंड बहुत मिलेंगे ये था मैं वही तो सोचा मैं का मामला कुछ और नजर आ रहा है मुझे जो मैं बताना चाहता था कीप द फेथ डायमंड तो मिलेंगे है ना ये था कल टॉपिक इस पे बोले थे और मैं यही कह रहा हूं कि आप अपना काम करते चले जाइए माहौल के अंदर रहिए माहौल के अंदर लाइए यही फिल्ट्रेशन हो रही होगी बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा नंबर नाइन सेलिब्रेट प्रोग्रेस एंड सक्सेस अगर आप चाहते हो कि जीरो कंप्लेंट वाला माहौल बना रहे जब कहीं पे इवेंट होता है बीबीएस होता है राइट या फिर अभी हम गुड़गांव में छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं विजन सेमिनार गो गोल्ड लाइन विजन सेमिनार इसका मकसद है दोस्तों पॉइंट नंबर नाइन है सेलिब्रेशन प्रोग्रेस एंड सक्सेस रिकॉग्नाइज करना है आपको अचीवमेंट्स को जो माइलस्टोन, जो प्रोग्रेस लिया है लोगों ने कोई भी लिया है छोटा है से छोटा भी है कोई गोल्ड कार्ड भी बना है ना फोर स्टार उसको भी फीलिंग आएगी कि ये मेरा प्रोग्राम है मेरा रिकोग्निशन होना है इस प्रोग्राम में फाइव स्टार को फीलिंग आ रही है आपकी बारी सिक्स स्टार बनकर रिकोगनाइज होंगे हम सेवन स्टार पे फीलिंग एट स्टार पे फीलिंग वो सर्टिफिकेट वो फोटोग्राफ वो वीडियो दैट इज द वो इन्वायरमेंट है जो नेगेटिव नेगेटिव कंप्लेंट वाला आदमी होता है ना जब ऐसे माहौल में आता है ना उसको सिखाना नहीं पड़ता समझाना नहीं पड़ता है उसके गाल में ऐसा चांटा पड़ता है इस माहौल का लाइन में आ जाता है वो कहते हैं ना कभी कभी लातों के बुद्ध बातों से नहीं आते समझ है ना बातों नहीं समझ आती है तो लात वैसे नहीं मारनी है ये वाली मारनी है किसको बोलते हैं सेलिब्रेशन ऑफ प्रोग्रेस एंड सक्सेस का और टाइम की कमी है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं लास्ट पॉइंट है आज का दोस्तों वो है कमिट करना है कंटिन्यू इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना है। ये नहीं है हम तो सीख लिया हम तो लेते रहते हैं बड़ी ट्रेनिंग ले ली हमने जी चार साल में हम पागल हैं यहां पे आके फिर दे रहे हैं हमें पता लगता है हमने तो दे दी बहुत दे दी जी क्या जरूरत है जी क्यों आए जी अरे हमें लगता है अभी तो अभी तो ट्रेलर है दिया अभी ट्रेलर है आपने लिया भी ट्रेलर है फिल्म तो बाकी है चार साल में ट्रेलर ही चल रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको कमिट करना है अपने आप से वादा करना है जो प्रण करता है वादा करता है ना वो आदमी जिंदगी में कुछ करता है जो प्रण नहीं करता है कमिट नहीं करता है ना नहीं हो सकता भाई साहब जब तक आप किसी चीज के प्रति कमिटेड नहीं हो आपको अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे तुक्का लग गया तो लग गया और नहीं तो टाइट फिस अगर आप चाहते हो कि लगे निशाना यू हैव टू फोकस यू हैव टू कमिट योर सेल्फ फॉर द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए पहला इंप्रूवमेंट है मन से थिंकिंग पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोच रिस्पेक्टिव एप्रिशिएटिंग वाला लव वाला जीरो कंप्लेंट जीरो ईगो यस सर यस मैडम ऐसी फीलिंग के साथ जीना जब मैं आपको बात करता हूं आपके नाम के आगे मुझे सर लगाने में बड़ा अच्छा लगता है मैडम लगाने में बड़ा अच्छा लगता है आपको लगना चाहिए अच्छा इसको ना इसको मैं सर बोल दू क्यों नहीं बोलना है? क्या दिक्कत क्या घिस रहा है आपका सर बोलने में या मैडम जी बोलने में अच्छा इसको मैं मैडम बोलूंगा अरे क्या घिस रहा है आपका सबसे पहले तो ये सोचो ना लगाने से आपकी इज्जत बढ़ने वाली है आप क्या नाम क्या सर और मैडम लगने वाला है जो दोगे वही मिलेगा इंप्रूवमेंट जबरदस्त गुंजाइश है दोस्तों और ये कमिटमेंट है पर्सनल कमिटमेंट इतना एम्बरेसर कमिटमेंट टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों करनी है मन से वचन से मन से तो आप सोचते हो कोई नहीं जानता क्या सोच रहे हो वचन से दुनिया सोचती है क्या सोच रहा था ये क्या बोल रहा कैसे बोल रहा है और फिर कर्म असली होते हैं रिजल्ट से पता चलता है कि जो मन और वचन में चल रहा था ना वो प्रैक्टिकली रिजल्ट में भी कन्वर्ट हो गया है तो आपको मौके ढूंढने लर्निंग का मौका ग्रो करने का मौका और अपने को एडोप्ट करना दोस्तों आपको अपने आप को बेटर एंड बेटर एंड बेटर करना है इसलिए बोलते हैं बेटर ट्रियां बेटर लाइफ को बेटर करेंगे लाइफ तो बेटर हो जाएगी तो कहने का मतलब है दोस्तों कमिट करना है अपने आप को कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए नो इज परफेक्ट मरते दम तक हमें सीखना है जब ये एटीट्यूड रहता है तो ये कंप्लेंट वाले एटीट्यूड से बाहर निकल आते हो तो आज के जो सेशन था ये था द नो कंप्लेनिंग रूल के बारे में कंप्लेनिंग एटीट्यूड से बाहर निकलना है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट में जाना है जिसकी वजह से आप क्रिएटिव हो जाओगे कंस्ट्रक्टिव हो जाओगे जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस होगी डेवलपमेंट होगी आपके कदम चुमेगी सफल सफलता तो आज की ये दस पॉइंट आपने नोट भी किए होंगे और नई नोट किए तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं मैं यहां आगे सिर्फ आपके बीच में अपनी फीलिंग को शेयर कर सकता हूँ राइट तो ये ऐसे ये ऐसी चीजें हैं अगर इनको अगर आपने एडोप्ट कर लिया ना लाइफ में मैंने तो आपको दस पॉइंट बड़े तरीके के साथ समझाने की कोशिश की मैंने तो सिर्फ ये सीखा था नो कंप्लेंट नो कंप्लेंट एटीट्यूड कंप्लेंट नहीं करना है जीरो कंप्लेंट ऐसा एटीट्यूड बनाना है कंप्लेंट नहीं करना है ये मुझे जब पता चला ना जिंदगी में तो मैं समझ गया कि मामला तो बस सही है एटीट्यूड नहीं रखना ना अब आपने दूरी बना ली कंप्लेन से देख लो फिर माहौल चेंज हो जाएगा जब देखो आप हैप्पी न जाओगे अभी अपलाइन से मिलते हो तो अपलाइन को ये पता होता है कि अब रोने अब रोएगा अब रोएगा अब रोएगा, अब रोएगा। ये देखो आ गया फिर रोने के लिए आ गया फोन करोगे तो भी समझ जाएगा रोने के लिए फोन किया होगा इसने जब देखो रोतू रहता है रोंदू है तो है ना खुद तो दिमाग खराब करता ही है अपना मूड तो खराब करता ही है और जब बात करते हैं तो अगले दो घंटे के लिए अपना मूड खराब हो जाता है क्यों क्योंकि इसको कौन समझाएगा कौन ट्रेनिंग देगा भाई ये सुन के तैयार नहीं है कहने का मतलब है कि कितना कंस्ट्रक्ट कितना बड़ा टाइम का एसेट जो है दुनिया में टाइम नहीं मिल सकता दोबारा कितना टाइम खोटा कर देते हैं लोग क्योंकि उनको पता ही नहीं है अगर वो सिस्टम में होते हैं माहौल में होते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं होती जिंदगी में कहीं पर किसी स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाकर तो शायद ये आफत नहीं आती तो इसीलिए मैक्सिमम लोग फेल किए हुए दोस्तों बैठे हुए सर हमारे पास तो नौकरी नहीं है और नौकरी मिलनी ही नहीं है क्यों इंतजार कर रहे हो नहीं नौकरी चाहिए बहुत सारी चीजें हैं बहुत लंबा टॉपिक है एक ऐसा है अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है एक रुपए भी नहीं है जिंदगी में अगर आप इवन कर्जे में हो मरे पड़े हो बिल्कुल खत्म सिंह हो आप तब भी हाँ झंडे गाड़ सकते हो आप कामयाबी के झंडे बस एक ही कंडीशन है टीम टियांस आई नेट सिस्टम इस फैमिली के साथ बने रहना एक ही इलाज है सारी बीमारी का एक ही इलाज है माहौल के अंदर रहोगे चमत्कार होगा जिंदगी में चमत्कार होगा एक साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल में वो हो जाएगा जो शायद अगले पचास साल में भी नहीं होना था तो आपकी उम्र क्या है इससे बात से फर्क नहीं पड़ता है छोटी उम्र है तो फिर तो मजे मौजो होगी आपकी अगर आपकी उम्र सत्तर साल भी है ना जाते जाते भी झंडे गाड़ के जाओगे जाना तो सबको ही है ये मलाल नहीं रहेगा कि भाई से कुछ कर नहीं पाए नहीं तो दुनिया में जिंदगी का अगर सबसे बड़ा जो दुखद पल है ना वो एक ही है इंसान पे क्या काश मुझे कोई मौका मिला काश मैंने कुछ किया होता है मैं कुछ कर ही नहीं पाया जिंदगी में ये जो घड़ी है ना ये पल जो है ना मन के लेके जब आदमी मरता है ना ये सबसे खतरनाक होता है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हम सबके साथ में मिलकर आगे बढ़ोगे जिंदगी में आपको कम से कम अफसोस नहीं होगा इवन आपको प्राउड होगा अपने ऊपर आपको परिवार आपके ऊपर प्राउड करेगा वो जो फूल है ना माला अक्सर फोटो ही नहीं होती है माला तो दूर की बात है मैं बताऊं लोग मूर्तियां बनाएंगे मूर्तियां आपके खानदान के परिवार के लोग बोला इनकी तो मूर्ति बनाओ इनकी तो पूजा आरती करनी है भाई साहब इन्होंने बेड़ा पार किया सदा दिस बिजनेस की पावर ये है ऑलरेडी इस बिजनेस से लोग करोड़ों रुपए महीना के कमा रहे महीने के बता रहा मैं आपको हाँ हम नहीं कमा रहे करोड़ों रुपए साल के जरूर कमा रहे हैं यकीन करना साल में भी नहीं आते थे ना पहले तो अब आ रहे हैं ना हो सकता महीने के भी आए इसीलिए तो लगे पड़े हैं तो क्या आपका कोई टारगेट है कोई गोल है कोई गोल बना के काम कर रहे हो हमने अपना सपने देखे हैं बड़े बड़े सपने देख रखे हैं बहुत बड़े बड़े सपने तो पूरे हो गए लेकिन अब और बड़े बड़े देखें उसके लिए मेहनत प्रयास रहते हैं आप भी ऐसे बनिए बाकी बहुत अच्छा लगता है आपके बीच में आते हैं अपने दिल की बातें मन की बात बोलते हैं ना करने का मौका जिनको अच्छा लगता है वो सुनने के लिए आते हैं समझने के लिए आते हैं और जो समझदार हैं वो प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं और करने से उनके चमत्कार भी हो रहा है बहुत खुशी होती है कमिटेड लोग कम होते हैं आप बेशक यहाँ पे कुछ लोग होंगे यकीन करना जो यहाँ पे नहीं है ना वो आपके करंट की वजह से है आपके करंट की वजह से आप समझना आप इस पैनल में आके जो जोश है जो आप अचीवमेंट ले रहे हो ना हर महीने पूरे साल में जो आपके प्रोग्रेस चल रही है ना इस प्रोग्रेस का सेका उन लोगों को भी पड़ रहा है जो यहाँ पैनल में नहीं आते लिख लो डायरी में मेरी बात तो इसलिए ये पैनल चल रहा है इसलिए नहीं चल रहा है जो आप आते हो आप तो अपने हो ही हो ये जो नहीं आ रहे ना ये वहां भी सेका जा रहा है फेसबुक तो वो भी देखते हैं जब हम देखते हैं ना एक एक रील दस हजार लोगों ने देख ली बीस हजार तीस हजार तो कोई एलियन तो आए नहीं अपने इतने रिश्तेदार भी नहीं है देखने वाले तो किसने देखा फिर वो उन्होंने देखा ये देखते सब है अच्छा क्या चल रहा है यकीन करना आज मेरे को कम से कम पांच साल बाद एक इंसान का फोन आया अभी साढ़े आठ बजे मैं कहा मेरी तो मीटिंग भी शुरू होने वाली है इसका फोन आ गया और एक ऐसे शख्स का मैं जितनी तारीफ करूं इंसान की उस इंसान ने एक बीज बोया था और वो बट वृक्ष बन गया है लेकिन आदमी कैसा जिद्दी होता है या पागल होता है कि उसके आज भी नहीं समझ आ रही पांच साल बाद फोन किया क्योंकि पांच साल पहले उसने एक बात बोली थी मुझे कि पाल जी मुझे त्यांस करनी नहीं है तो आप मेरे से इसके बारे में बात भी मत किया करो वो तो मैंने बोला मेरा तो रिश्ता इसी का था भाई है ना बिजनेस में है तो सारे रिश्ते हैं भाई भी है बहन भी है चाचा भी है ताऊ भी है गुरु भी है सब है तो जब यही नहीं है तो रिश्ते के खाली क्या करेंगे रिश्ते तो पहले भी बहुत थे मेरे पास रिश्ते की कमी थोड़ी थी आज तक उन रिश्तों से हुआ कुछ नहीं ना लेकिन अगले ने मुझे मना किया क्योंकि मैं चाहता था उसकी मेहनत से बहुत कुछ हो रहा है काश ये करे जिसने मेहनत की थी जब नहीं हो रहा था ना मेरे मेरे पास भी मौका था कि यार इस एक बहाना एक इंसान है ये जिसने मेरा साथ दिया था शुरू में बट उसकी अकड़ थी जो भी था जिद थी कोई बात नहीं मैंने फोन मारने बंद कर दिया आज पांच साल बाद फोन आया तो बोला आ जी आप तो हमें याद भी नहीं करते हो मैं कहा दिल से याद करता हूं और मरते दम तक याद रहोगे बच्चों को और बोल के जाऊंगा इस वाले अंकल को मत बोलना कभी पता क्यों सच है बट इससे फर्क क्या पड़ता है भाई उसके घर में तो कुछ नहीं फायदा होने वाला और मुझे अच्छा लगा हालांकि घूम फिर के बातें वही थी पांच साल पहले वाली और पांच साल पहले थोड़ा ज्यादा सुन लेता था मैं अब दुनिया को ट्रेनिंग देते देते मेरी भी स्थिति ऐसी हो गई है वो मैंने बोला भाई साहब पास्ट बात छोड़ो ना यार अब बताओ क्या करना है वो तो दो मिनट बाद फिर वहीं पहुंच जाए उसकी सुई मैं कब आठ पचपन वाले हैं तो कृपया करें अब हम संपर्क में रहेंगे इंजेक्शन लगाते रहेंगे क्या पता इंजेक्शन लग जाए क्योंकि जिसके नीचे बहुत शानदार काम चल रहा हो ना एक लाइन में और तब भी काम ना कर रहा हो तो इसको दुर्भाग्य से बड़ा क्या बोल सकते आप है ना मैं बताऊँ अपनी मिनिमम सेल डाल देना अपनी मिनिमम सेल तब भी बीस तीस चालीस पचास हजार आ सकते हैं बंदे को लेकिन जिद पकड़ के बैठा है नहीं डालेंगे हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा हमें तो बहुत अच्छा लगता भाई साहब ऐसा पैसा है ना अब ये भी फितरत है ऐसा पैसा नहीं चाहिए तो कैसा चाहिए पूरी ऐसी तैसी करा दी वो वाला पैसा चाहिए मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ खेल हो गया बंदे के साथ में कोरोना काल में सोचा था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो ऊपर से कोरोना काल आ गया तंबू उखड़ गए बंबू उखड़ गए सब कुछ खत्म है ना अब बताएं इसलिए मैंने कहा कि लाइफ इज अनप्रोडिक्टेबल कोई बात नहीं जो हुआ हुआ अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे आपको भी मिलेंगे बट याद रखना जिंदगी में कहीं आपके साथ ऐसा ना हो है ना मतलब मैं इतना स्टोरी सुनाने के पीछे दो कारण है एक तो सच्चाई है जो भी घटना घटी शेयरिंग इस तरीके से कर रहा हूं मैं बट लेसन भी है यहाँ से जिंदगी के बहुत कीमती पल निकल जाते हैं बाद में सिर्फ पछतावा हाथ में आता है काश उस टाइम हम इस बिजनेस को इज्जत करते है ना ये दस पंद्रह बीस हजार का बिजनेस नहीं है ये ये करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस है जिंदगी बदलने का है। का बिजनेस बिजनेस है है एमएलएम मजे लो मजे का बिजनेस और जो भी हम कुछ करते हैं ना तो मजे के लिए लेते हैं खुद भी मजे लें बीबी भी, भी, भी ले माँ बाप भी ले बच्चे भी ले सब ले मिलकर राइट तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच थैंक यू टू गॉड थैंक यू टू फैमिली थैंक यू टू चेयरमैन सर थैंक यू टू यू एवरी लिए सब दिल से शुक्रिया ईश्वर आप सबको बहुत सारी कामयाबी दे तरक्की दे तंदुरुस्ती दे खुशहाली दे टॉप ऑफ वर्ल्ड बने टॉप करो रॉक करो सब कुछ करो राइट ये मेरी शुभकामनाएँ हैं अब हम मेजिकल मंत्र में जाने से पहले एक दो लोगों को लेने की कोशिश करेंगे देखते हैं किस, -किस को ले पाते हैं तो मुझे दिखाई दे रही हैं अभी फिलहाल एक टूर से आए लीडर वर्षा कुमानी जी जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी स्टाइल में फोटो खींची हैं वीडियो बनाई है छागे हो छा मैंने बोला अब तो मॉडलिंग फेल सारे मॉडल फेल टियांस के मॉडल जिंदाबाद राइट बट एक चीज और मैं बोलता हूँ सभी लीडर को आप लोग ना बहुत कुछ सीख रहे हो अब क्या किया करो ना आप अलग अलग प्रोडक्ट लो है ना आपने ले लिया मान लो ओ ले लिया ओ की वीडियो बनाओ ना ओपीसी है ओपीसी वो बोलो मुंह से चार पांच लाइने लो और चार पांच लाइने बोल डालो चार पांच लाइने दिमाग में रख दो मैं आपके बीच में आता हूँ ना मोटा मोटा मैं फिक्स कर लेता हूँ ये दस पॉइंट मैंने बोलना है आपको बाकी तो मुझे आता है ना बाकी तो एक्सपीरियंस है कोई रटना थोड़ी है पहले फिक्स कर लो कि ये पांच चीजों पे मैंने बोलना है तो एक बोतल ली उसके पांच पॉइंट पकड़े और फिर उस पर लग जाओ अपने हिसाब से नेचुरल सबका अलग अलग लगना चाहिए एक जैसा नहीं राइट यार अच्छा जी कभी आप ओपीसी कर रहे हो कभी जिंक कर रहे हो कभी स्प्रिना कर रहे हो बनाओ ना रीलें क्या दिक्कत है दो जगह डालो इधर भी डालो फेसबुक में भी डालो यूट्यूब में भी डालो और उधर इंस्टाग्राम में भी डालो बाकी अपना जो आ गया है वी मूवमेंट उसमें जरूर डालो क्योंकि उसमें कुछ कॉइन कॉइन मिल रहा है आया था आज पोस्टर आपको ये डालने में भी मिलते हैं फेसबुक वाले नहीं देंगे कुछ अभी है ना और नहीं देंगे ये वी मोमेंट जो हमारा का है है ऐप खुद का ऐप है यहाँ बहुत कुछ है ये बहुत अभी इसी के चक्कर में ही हमें बुलाया जा रहा बांग्लादेश चौबीस तारीख से लेकर हम सत्ताईस तारीख तक बांग्लादेश में ढाका तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं पैराल में तो मैं इतने कहूंगा दोस्तों की तो वर्षा कुमानी जी हमारे बीच में आ रही है उनकी वजह से मैंने ये बात बोली तो मैं देखता हूँ अच्छा फेसबुक में जाएं उसमें लाइक कीजिए कमेंट कीजिए है ना बहुत अच्छा लगता है यकीन करना आप पोस्ट डालते हो ना आपको कोई लाइक ही नहीं करता है मैं देखता हूँ आपके पोस्ट डले होते हैं सुख के रहते हैं सुखे ऐसे रहता है भाई जब दस ना पौधा होता है ना पौधा इसमें पानी नहीं तो मर जाएगा उस पोस्ट की हालत ऐसी होती क्यों आप लोगों को नहीं करोगे तो लोग क्यों करेंगे आपको भाई और पहले आपको करना पड़ेगा पचास बार तब लोग करेंगे एक बार लोग तो और भी खतरनाक हैं जब आप ही इतने खतरनाक हो तो लोग कितने होंगे सोचो क्योंकि आप तो बहुत शरीफ हो है ना आप शरीफ हो तो आप बड़ी मुश्किल से करते हो जो है ही बदमाश तो कितना टाइम लगाएंगे तो अगली आवाज सुनते हैं वर्षा को जी की नहीं तो मेरी ट्रेनिंग लंबी हो जाएगी वेलकम वर्षा जी आविदा जोश आप छा गए हो और हमें बहुत खुशी है पूर्वा जी की बड़ी बहन है ये और पूर्वा जी के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है या वर्षा जी के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो <laughs> सकती है दोनों महीने गुजरात से शेरनिया आए शेरनिया छा गई हैं वेलकम वर्षा जी अपकमिंग गोल्ड लाइन की तैयारी वेलकम कैसी रही जोश अबाउट थाईलैंड जोश इज तो ऑलवेज हाई सर और जब से थाईलैंड से आए तब तो रुके ही नहीं है जब से हमारा सामान अनबॉक्सिंग हुआ फिर से पैकिंग करके हम अभी फील्ड में भी है निकल चुके हैं दो तीन प्रोग्राम आज किए और बहुत ही अच्छा रिस्पांस लोगों को हमारी रील्स फोटो देखकर ही एक्साइटमेंट टीम में भी इतना बढ़ गया है कि बात ही मत पूछो और हम भी दुबई दुबई की तैयारी के लिए निकल पड़े हैं अभी फील्ड में पूरा महीना फील्ड में ही रह गए और uh, सर थाईलैंड की तो बात ही क्या करूं इतना जोश और uh, इसकी वजह से अब दुबई भी ऐसा लग रहा है कि नहीं दुबई भी जाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए और uh, काम पे इसलिए लग चुके हैं और कुछ भी रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं किया और uh, निकल पड़े हैं फील्ड में और अभी uh, भी, भी फील्ड में ही हूँ और uh, सर थाईलैंड की तो बात ही मत पूछो इतने दिन इतना एंजॉयमेंट इतना सब मतलब हमारे कंपनी ने हमारे लिए इतनी खातेदारी की कि जो इतना है ना ससुराल में इतना सारी खातेदारी हमारे लिए और वहां का मतलब इतना क्या बोले कि जो जो हमने साइड सीन देखे बहुत ही अमेजिंग सर डॉल्फिन का शो बर्ड शो और पैरा साइकिलिंग सब इतना जबरदस्त की बात ही मत पूछो और फाइव स्टार सेवन स्टार होटल में तो लगता था कि जैसे हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा और टीम को भी एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि हमें तो इतना एक्साइटमेंट था और ऐसा लग रहा था कुछ भी कुछ मिस है तो इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि टीम के साथ ही टूर करूँ तो मैं और भी मजा आता टीम हमारे साथ होती तो और भी मजा आता और अगली ट्रिप में तो डेफिनेटली मेरे साथ मेरी टीम होगी ही हो होगी और सर आज का सेशन बिल्कुल जबरदस्त आपका कि नो कंप्लेनिंग मोड मैं कभी भी मेरा ऐसा इस, है कि मैं कभी कंप्लेन नहीं करती चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जर्नी में भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ कोरोना के टाइम में बिल्कुल ही मतलब बिखर गए थे सब मैंने पहले से शुरू किया तो बस कंप्लेन कभी करनी नहीं है किसी को और लाइफ में आ, आता है उतार चढ़ाव लेकिन फिर से खड़े होकर काम शुरू करना है वही मेरा रहा है और मैं मेरे मेंटर मतलब पूर्वा कोई फॉलो करती हूँ उसके नक्शे कदम पर चल रही हूँ आगे और इसका भी मुझे प्राउड है कि मैं पूर्वा की डाउन लाइन में हूँ आ, वैसे तो मैं बड़ी सिस्टर हूँ लेकिन उसके पीछे पीछे उसके नक्शे कदम पर अभी गोल्ड लाइन की भी तैयारी पर लग चुकी हूँ और रॉयल्टी में आने का भी वो है कि एक्साइटमेंट की जल्दी से मैं ब्रॉन्ज लाइन बनू और गोल्ड लाइन तो बनना ही बनना है और पूरी दुनिया की शेयर करनी है पूरे वर्ल्ड घूमना है कहीं ना कहीं मेरा एक ड्रीम रहा है कि मैं एक्साइटेड होती हूँ तो टूर को लेके बहुत ही एक्साइटेड होती हूँ और वहाँ जाकर भी फुल एंजॉयमेंट कभी भी रुकती नहीं हूँ डांस हो वास् सब कुछ मतलब एक एक पल का एंजॉयमेंट कर लेती हूँ और मैं मेरी ये जो भी है वो मेरी टीम की वजह से हूँ आज में तो थैंक यू थैंक यू सो मच माय टीम ऑल लीडर्स बहुत ही अच्छे हैं बहुत प्यारे हैं आज ही हमारी एक टीम की मीटिंग हुई केशोद में तो वो सब भी बहुत ही एक्साइटमेंट हुए और इतना खुश थे कि ये हमारी मैडम थाईलैंड गई थी तो मैं बोल रही थी अगले टूर में आप सब हमारे साथ होंगे क्योंकि ये टीम में इतनी आग लगी चुक, लग चुकी है अभी तो मुझे देख देख के तो डेफिनेटली मैं अगली ट्रिप में मैं मेरी टूर टीम के साथ दिखूंगी और थैंक यू गॉड कि इस ऑपरचुनिटी की वजह से आज मैं मतलब इस लेवल पर हूँ तो वोड का थैंक यू कि और हमारी मतलब फैमिली का थैंक यू मेरा हस्बैंड का बच्चों का अभी भी फील्ड में निकल चुके हैं तो वो भी अपना मैनेज कर लेते हैं अपने हिसाब से बच्चे और हस्बैंड दोनों तो वो बोलते हैं कि नहीं तू जा पूरी दुनिया घूम उसके लिए चाहे कुछ, कुछ भी मेहनत करनी हो कर हम तुम्हारे साथ है तो बहुत अच्छा लगता है और फैमिली का भी थैंक यू टीम का थैंक यू थैंक यू स्पेशल आपका सर ऑलवेज क्योंकि जब भी मुझे वो, वो डाउन फील होता है तो मैं आईडी नेट में बैठ जाती हूँ कभी कभी वीडियो ऑन में नहीं होती हूँ लेकिन डेफिनेटली मेरा फोकस तो वीडियो में ही होता है वो, वो जो होता है उसमें ही होता है तो आईडी नेट का स्पेशल थैंक यू की मैं उसको तो गीता ही बोलती हूँ क्योंकि हमारा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है ना उसका सोल्यूशन गीता है वैसे हमारी तियांस की जर्नी में जो जो प्रॉब्लम आता है उसका सोल्यूशन आईडीनेट सिस्टम है सर तो थैंक यू थैंक यू सो मच आईडीनेट सिस्टम की यहाँ से हम बड़े बड़े लीडर के जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं उसकी वजह से हम कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे तो थैंक यू इतना वंडरफुल सिस्टम बनाने के लिए सर तो थैंक 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 यू 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 ऑल ऑफ एंड सर आपका स्पेशल लास्ट में, में मेरा वर्ड हेलो हेलो बेटर बेटर लाइफ आई आई लव सिस्टम जबरदस्त वर्षा जी ऐसी ही आप आगे बढ़े बेस्ट विशेस है बहुत खुशी होती है आप सबकी कामयाबी को देखते हुए और, मैं सब भी को की निशानी है अगर आप धार्मिक हैं ना और आप गायत्री मंत्र नहीं बोलते हो तो फिर गए काम से मतलब तो फिर आलस कर गए ना मामला इसका मतलब नकली प्रोग्राम है ज्यादातर सही तो ये कुछ ऐसा बता रहा हूं मैं आप अगली जो आवाज है वो है चेतना जी की हाँ चेतना जी भी हमारे साथ में थाईलैंड टूर में थी जी चेतना जी हविदा जोश क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसा फील किया आपने थाईलैंड में वेलकम राजकोट से राजकोट से या अहमदाबाद राजकोट से है ना अहमदाबाद से अहमदाबाद से आओ, क्या बात है चेतना <laughs> जी अहमदाबाद से हैं और अहमदाबाद बहुत बड़ा है वेलकम चेतना जी, जी यस थैंक यू सर मुझे आज बोलने का मौका दिया और थाईलैंड अभी तो मेरे दिमाग में से थाईलैंड गया ही नहीं है अभी ऐसा लगता है मैं थाईलैंड में घूम रही हूँ बीच पे हूँ इतना मजा आया जैसे जन्नत में जा जाए गए थे हम और इतने सारे लीडरों को मिले इसके बाद तो ऐसा लगा कि अब पहले ऐसा लगता था कि मेरा इस दिवाली तक हो जाएगा मगर अब ये सबको देख कर ऐसा लगता है कि दो महीने में करना पड़ेगा yes. इतने बड़े बड़े लीडर है उसके साथ रहना है तो जल्दी से ब्रॉन्ज लाइन बनना पड़ेगा हमारे <laughs> साथ जो पूर्वा जी थे उसको देखकर भी हमें थोड़ा का थोड़ा नॉलेज मिला वो लोग जो काम करते हैं और हमारे साथ जो हमारी ऑफलाइन थी मैडम सोनल मैडम एक माँ की तरह है जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा मेरी सारी चीजों की जिम्मेदारी उस पर थी मैं तो सिर्फ मोबाइल फोन लेके घूमती थी सुपर। <laughs> और मेरी खाने पीने का सारा बंदोबस्त सोनल मैडम करती थी अगर मैंने कुछ खाया नहीं है ना तो होटल पे जाके नाश्ता करवाना और आपके टेबल पर भी मुझे एक बार लेकर आए थे मतलब थाईलैंड आके पता चला कि टी कितना बड़ा है प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है पहले मुझे इतना पता नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है मगर आपको मिली शेखर सर साक्षी मैडम सबको मिलने के बाद पता चला कि अब बिजनेस आगे बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा और अगर आपके साथ घूमना है ना तो मैं अब तो मेरे हस्बैंड को साथ में लेके ही आऊंगी दो टिकट से आऊंगी नेक्स्ट टूर में और उससे अगली वाली टूर में थ्री टिकट के साथ आऊंगी Yes. Thank you, sir. जी जी चेतना जी जी बोलिए सर बहुत शानदार ऐसी ही फीलिंग होनी चाहिए और यही जोश बनाए रखना जाना गोल्ड लाइन है हाँ हमारी टीम में टीम से भी फोन आते हैं ना तो वो भी बोलते हैं अगली बार हमको भी साथ में लेके जाना वीडियो शूट करना फोटो खींचना आपके साथ बहुत मजा आया था हमें वीडियो शूट करने के लिए ये पहली यात्रा <laughs> थी अब ऐसे आपने पूरी दुनिया घूमनी हम लोगों के साथ फाइनल फाइनल अब अब से अब से कोई टूर छोड़ूंगी नहीं मैं वेरी गुड और बाकी आप आते रहें आपकी फीलिंग यहाँ शेयर करने का मौका मिलता रहेगा अगर मैजिकल मंत्र याद है तो आप बोलिए नहीं तो फिर हम आपको अगली बार बुलाएंगे बेटर टी बेटर लाइफ बहुत बढ़िया तो चेतना जी नई नई है थाईलैंड में देखो तो इंडिया में मुलाकात नहीं हुई थाईलैंड में जाके मुलाकात ऐसा भी होता है तो बेस्ट विशेष टे और आप आए मेजिकल मंत्र को बढ़िया तरीके से याद करिए आपको शेयर करने का मौका मिलेगा राइट तो जो अगली जो आवाज़ है वो है अब एक और लीडर की और ये हैं वनीता राज जी सीनियर लीडर में मुझे वनीता जी दिखाई दे रही हैं तो वेलकम वनीता जी आज आपने बहुत शानदार प्रोग्राम किया शाम को 6 बजे और बाकी क्या रहा मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाया तो आप अपनी फीलिंग बताएं सारी बातें बताएं जो भी बताना चाहें वो बताएं ओवर टू यू अवर अपकमिंग डायरेक्टर वनीता राज thank you sir thank you so much good morning sir good morning all of you first of all sir thank you very much for wonderful session aaj ka session sir bahut hi shandar और उसी की वजह है sir कि आपके जो education है guidance है और आपके जो message आपके kind words उसकी वजह से sir हम groom कर रहे हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया बिल्कुल sir आज हिमाचल team leaders का expression बहुत ही जबरदस्त specially silence थाईलैंड टूर से जो लीडर्स अभी आए हैं और जिन्होंने बहुत ही शानदार अचीवमेंट्स सर उनकी फीलिंग ऑसम सर रियली अभी लीडर्स अपनी फीलिंग एक्साइटमेंट के साथ टोटली इमोशनल हो चुके हैं और यही कह रहे हैं बार-बार बार-बार कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ फॉर सिर्फ बिकॉज़ ऑफ टेंस आडिनेट सिस्टम और सर ये सच है क्योंकि आज स के अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स ऐसी ऐसी महिलाएं सक्सेस हो रही हैं कामयाब हो रही हैं सपने तो हम सभी देखते हैं अक्सर बट सपने देखते हैं और जिंदगी में कुछ भी हाथ नहीं लगता है सपने सपने ही रह जाते हैं पर जो लोग आज त्यांस में आ चुके हैं और जिन्होंने ठान लिया है जिद कर ली है और जिन्होंने अपने अंदर कामयाबी की भूख पैदा कर ली है सर आज वो त्यांस के अंदर जिंदगी को काट नहीं रहे है जी रहे हैं पहचान बना रहे हैं और रियली सर तो इसके लिए हम मैं और मेरी टीम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे और योगराज सर के हमारे ग्रेट मेंटोर क्योंकि सर मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि काम तो आज तक भी बहुत किए थे हर कोई कर ही रहा है कुछ ना कुछ जिंदगी में बट पिछले पांच साल से जो जिंदगी चेंज हुई है त्यांस में जो लाइफ बनी है पहचान बनी है और जो लोगों की रिस्पेक्ट और प्यार रिगार्ड मिलता है और जो आज शानदार अच्छी मतलब इनकम जिसे मैं बात करूं और मेरे लिए तो वो एक कल्पना से भी परे है तो ये सब के लिए है सर आज हिमाचल से ऐसी ऐसी महिलाएं गई थी टूर पे मैं आज उनको एक ही बात सुना रही थी मैंने कहा जब मैं त्यांस में आई थी तो मुझे बहुत से लोग रिश्तेदार परिवार से लेकर ये कहा करते थे कि कहाँ फंस गए हैं किसके चक्कर में पड़ गए हैं कभी भी नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ त्यांस में या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ सीनियर कामयाब होते हैं और आज देखते ही देखते सर हिमाचल से दस लेडीज मेरी ही टीम से थाईलैंड टूर में थी और मैं उनको एक ही बात सुना रही थी कि आपको भी किसी ने मेरी तरह कहा होगा बिल्कुल कहा मैम क्योंकि सबके साथ होता है बट हमने ना पट्टे लगा दिए हैं कान बंद कर दिए हैं हमें सिर्फ और सिर्फ आगे दिखता है और सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे सक्सेसफुल सीनियर लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं दुनिया रिश्तेदार परिवार वाले क्या कहते हैं ना फर्क नहीं पड़ता है प्रूफ करके दिखाया प्रूफ करने के लिए हमको ये जिद करनी पड़ेगी ये आपके अंदर होनी चाहिए तभी कर सकते हैं तो सर थैंक यू और इसमें नाइनटी नाइन परसेंट जो मैं श्रेय दूंगी या जो सच है वो सिर्फ और सिर्फ आज हिमाचल टीम की ग्रोथीन सिस्टम की वजह से है, सर हम कुछ भी मतलब मैं बोलती हूँ टीम को ना कुछ भी कर लो मुझे नहीं पता बट अगर आप सिस्टम में नहीं है तो आप बड़ी ग्रोथ के लिए कभी भी अपने आप को नहीं सोच सकते हैं ये बात को गार्ड बांध लेना पर जिस लीडर को कामयाबी चाहिए और ग्रोथ चाहिए वो डेली अपने और अपनी टीम के साथ सिस्टम में आ जाओ उसके बाद फील्ड में वॉक करो और फिर देखो कामयाबी कैसे मिलती है और यही कर रहे हैं सर हम अभी दुबई की रेस में हैं सर डेफिनेटली रेशो बढ़ेगा घटेगा नहीं और ये बिल्कुल इस रेस में लगे पड़े हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मुझे एक ही चीज की खुशी है सर कि मुझसे ज्यादा अगर मेरी टीम को अचीवमेंट्स मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है और डेफिनेटली सर अभी हिमाचल से बहुत सारे लीडर्स गोल्ड लाइन की तैयारी में है क्योंकि आईडीनेट सिस्टम में आने से जो बेनिफिट है ना चार टीम ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया चार तो सबके पास होनी कंपल्सरी है और चार टीमों से हम गोल्ड लाइन बनेंगे थैंक यू सो मच सर दिल से शुक्रिया और बिल्कुल सर मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्योंकि अब दुबई का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से थाईलैंड को बहुत मिस किया और सर आप सभी की फोटोग्राफ्स एंड वीडियो अमेजिंग ऑसम awesome, awesome. मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार सर सभी का रियली really सर और आपने जब लीडर्स आज शेयर कर रहे थे ना कि सर ने परिवार से भी बढ़कर हमें माहौल दिया जैसे फैमिली में भी नहीं मिलता है और सभी लीडर्स के साथ फोटोग्राफ्स वीडियो तो सर थैंक यू वेरी मच ऑलवेज और भाभी जी का और सभी कई आप हमें मैं तो भाभी जी को ऐसे देखती हूँ जैसे भाभी मेरे खुद भाभी जी थे आज नहीं है सेम नेचर सेम पर्सनैलिटी सब कुछ सर ए टू जेड और परिवार से मतलब मैं हमेशा ये देख रही थी कि जैसे आज डायरेक्टर सर और मैम जो हमें माहौल देते हैं सर इसके लिए शब्द नहीं है और आज सच बताऊं आज आर्डिनेट सिस्टम की ग्रोथ की वजह सर कंपनी नहीं है आप है क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रदर एंड सिस्टर की तरह जो हमने माहौल दिया है सर आपने हमें तो परिवार की तरह तो सर वही हमने आपको कॉपी किया है और आज हम जो खुल के काम कर पा रहे हैं वो उसकी वजह यही है सर क्योंकि यहाँ पे हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हम किसी कंपनी के साथ खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो आज लोग किस तरह से लेते हैं हम ये सोच के काम कर रहे हैं सर यहाँ पे कि ऊपर हमारे बड़े भैया और भाभी बैठे हैं बस नीचे हम बच्चों की तरह हमें गाइड कर रहे हैं थैंक यू सो मच सर हिमाचल टीम रॉक और मुझे प्राउड है सर सभी लीडर्स पे एक से बढ़कर एक दमदार लीडर है जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है बट सच में और ये पावर सिर्फ दोस्तों सिस्टम की है सबको यही बोलूंगी कि अगर कामयाब होना है गोल्ड लाइन बनना है तो डेली टीम के साथ आइडीनेट सिस्टम और बीवीएस इवेंट कहीं पे भी आओ टीम को लाओ और डेली एक्शन प्लानिंग जिंदगी के साल डेढ़ साल मेहनत करो जिंदगी भर आप लोगों को बैठ के पैसा आएगा ये पावर है टियंस की थैंक यू सर और मेरे मैजिकल वर्ड्स हेलो टियंस हेलो एआई बेटर बेटर टियंस बेटर लाइफ आई लव टियंस आई लव एडिनर सिस्टम आई एम ए डायमंड वी ऑल आर डायमंड्स गो गोल्ड लॉयन एवरीवन सुन थैंक यू सर थैंक यू सो मच अमेजिंग बहुत खूबसूरत शानदार जबरदस्त अल्टीमेट सुपर सेबी ऊपर फीलिंग्स मैं इतना इतना ही कहूंगा कि मैंने ट्रेनिंग में कई बार कहा है कि मैंने बहुत शानदार कामयाबी तब ले ली जब वाकई में मुझे कुछ आता नहीं था ना मेरे को कुछ सिखाने वाला मिला मुझे कोई ट्रेनिंग मिली नथिंग एक ही चीज़ थी उसको कहते हैं फेथ विश्वास ट्रस्ट मैंने देखा ट्यांस इतनी बड़ी कंपनी अगर बनी है ना और मेरे बिना बनी है हम तो नहीं थे ना टंस में हमारे बनने से पहले बन गई थी टंस तो हमने बोला कि हाई तो हमारे बिना बन गई ना तो इसका मतलब अपना भी यहाँ पे बेड़ा पार हो जाएगा सेम चीज है मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना उस दोस्त को मैंने एक बात बोला था मैं कहा आप तो पांच सात साल पहले मुझे मिले थे आठ साल पहले पांच साल से तो कनेक्शन में नहीं है मैं कहा आप आठ साल पहले मिले थे मुझे इक्कीस साल हो गए भाई साहब मैं कहा मैं आपके मिलने से भी भगवान की तरह से बहुत कामयाब था बट आपको भी कहीं ना कहीं गलतफहमी हो गई थी हम नहीं रहेंगे तो पाल जी का क्या होगा मैं कहा आप तो चले गए लेकिन आपने जो बच्चे पैदा किए थे ना फिर हम उनके माँ बापू बन गए मम्मी पापा हमने ऐसे संभाला उनको आज देख लो मैं कहा आ जाओ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है बच्चे तो आपके ही है सही कहने का मतलब यह है तो बहुत खुशी होती है और मैंने कहा ना कि ये भी ट्रेलर ही है अभी जिस तरीके से हम कर पा रहे हैं वो एक ट्रेलर ही है बहुत बड़ी फिल्म बनाने की हमारी क्या बोलते इसको हमारे वो है ख्वाहिश है ऐसे सपने है, कि हम आई डी सिस्टम को वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड बनाएंगे आप सबकी मदद के साथ अब इस आई डी सिस्टम के जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर जिसके ऊपर हम ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं ना कि यस ये लीडर है अपने साथ खड़ा वो बनना या नहीं बनना वो आपके हाथ में और ये एक दिन में नहीं होने वाला एक दिन आपने वाह बा पाल जी पाल जी कर लिया वो एक दिन से नहीं भाई ना मेरे एक दिन करने से होने वाला ना आपके एक दिन करने से होने वाला ये तो यूं लगना पड़ेगा कर टक्कर में साथ में खड़े हैं भाई साहब जब और कहते हैं ना अच्छे टाइम में तो दुनिया साथ होती खड़ी जब अच्छा टाइम नहीं हो ना तब खड़ा होना इज द साइन अगली जो आवाज़ है वो ऐसे ही एक लीडर की है योगराज शर्मा जी हमारे हिमाचल प्रदेश से जिन्होंने हर हालात में अपने आप को बिल्कुल मजबूत पिलर की तरह रखा और आज हिंदुस्तान में एक तरफा नाम है योगराज जी का कोई माने ना माने बट जलवा है उनका मैं कह सकता हूँ और किसी के मानने और ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जलवा है तो है राइट अब वो अलग बात है कि कभी लोग मजाक उड़ाया करते थे आज देखो लोगों को तो करना है कभी लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे ये पाल जी का पिट्ठू है है ना ये अपना दिमाग नहीं लगाता जो पाल जी बोलते और आजकल धुआं धुआं, धुआं हो रहा है अब क्या करें? अगली आवाज है योगराज जी आपकी अपकमिंग डायरेक्टर हाउ इज द जोश ओवर टू यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच जोश इज वेरी हाई एंड आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड बिकॉज मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो हमेशा से फीलिंग रही कि आ, पेरेंट्स की तरह आपने हमेशा गाइड किया सपोर्ट किया और हमने वैसे ही आ, जो है आपको महसूस भी किया और उसी तरह से आज हमेशा फील करते हैं कि आपने हमेशा एज अ बिग ब्रदर एज अ फादर आपने हमेशा जो है वो सुपरविजन किया है आपने सपोर्ट किया है अनकंडीशनल सपोर्ट जो है सो आई हार्टे थैंक्स टू यू एंड अनदर थैंक्स to my लवली टीम हमारे जितने बिजनेस पार्टनर हैं बहुत ही शानदार एक्सेप्सनल काम कर रहे हैं और सभी के अंदर जो डेडिकेशन है जो जज्बा है दे डिजर्व टू सक्सेस जो है क्योंकि उन्होंने मेहनत किए हम तो उनके साथ सिर्फ खड़े हुए हमने उनको जो हमने सीखा वही उनको कन्वे किया इंफॉर्म किया और वो उसको फॉलो करते चले गए और जो भी लोग सिस्टम से कनेक्टेड है जो भी लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं मैं देख रहा था सर कि पिछले कुछ सालों में जो है हर सीजन में और हर छः महीने में एवरी हाफ ईयर में जो है बहुत सारे लीडर अपने आप को प्रूव करते हैं और बहुत सारे लीडर जो है जो रेस में होते उस रेस से बाहर हो जाते हैं सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस या आप ये कह सकते हैं कि ईगो की वजह से जो है अदरवाइज़ इतना शानदार और हर टाइम जो अलग अलग लीडर कुछ लीडर ग्रेजुअली ग्रोथ लेते हैं और जैसे कि अभी थाईलैंड में इतने शानदार हमने वहाँ पे जो इंजॉयमेंट किया और इतना शानदार इतने साइट सीन थे इस बार जो इतनी सारी नई नई लोकेशन थी अमेजिंग मेरा ये फोर्थ इंटरनेशनल टूर था थाईलैंड का जो एक बारी मैं खुद गया था तीन थर्ड टाइम कंपनी से था तो मैंने इस समय जितना भी विजिट किया अगर कोरल आइलैंड की बात करें उसके अलावा जो है सारी चीजें डिफरेंट थी बिल्कुल यूनिक था और बहुत ही अमेजिंग था स्पारी वर्ल्ड हो गया जो वहाँ पे विलेज था नॉन और इसके अलावा जितनी भी चीजें जो एक्सप्लोर की हमने वहाँ पे जो है अमेजिंग और सभी लीडर इतने एक्साइटेड थे जो भी लीडर यहाँ से इंडिया से 200 सौ लीडर्स ने वहाँ पे विजिट किया था एवरीबडी इज एक्साइटेड और अभी सर बिल्कुल माहौल इतना शानदार इतना चेंज है कि नेक्स्ट टूर में वही लीडर अपने साथ जो है बहुत सारे लीडर को लेके जा रहे हैं दुबई और आने वाले टूरों में बहुत सारे लीडर ऐसा होगा कि आई नेट के ही दो दो ग्रुप जा रहे हैं यहाँ से जो है एक जो है पहले जाएगा और एक बाद में जाएगा इस तरह की स्थिति बनने वाली है इतने सारे लीडर हमारे क्वालिफाई करेंगे और ये सब पॉसिबल है क्योंकि हम सब यूनाइट होकर जो है और जूम के माध्यम से जो यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है जो यहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता है जो एम्पावरमेंट यहाँ पे होती है उससे ये शानदार ग्रोथ है सो आई थैंक्स टू एवरी वन फ्रेंड्स क्योंकि आपने ये माहौल बनाया और आप सबने मिलकर जो है इस सिस्टम को और पावरफुल किया सो so हमारे जितने भी ग्रेट लीडर इस पैनल पे होते हैं और स्पेशली जो लीडर ऑन वीडियो होते हैं जो यहाँ पे अपना जर्नी अपनी स्टोरीज अपने स्ट्रगल अपनेटल को यहाँ पे शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने जो है उन चैलेंज को पार करते हुए आज जो यहाँ तक पहुंचे हैं इससे सर लीडर में जो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होता है जो विजन यहाँ से उनका बनता है उससे बड़ा एम्पावरमेंट कहीं नहीं हो सकता सर सो आई थैंक्स टू एवरी वन फ्रेंड्स आई थैंक्स टू चेयरमैन ली सर क्रिएटेड दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड आई थैंक्स टू अवर कोर टीम मेंबर्स आईडीनेट सिस्टम जो है एंड थैंक यू वेरी मच सर बहुत ही शानदार थाईलैंड में जबरदस्त इंजॉयमेंट और उसके बावजूद हम यहाँ पे जो माहौल है इस माहौल में जो हम इंजॉय करते हैं मीटिंग को और जो आज जिस तरह के सेशन आप लेते हैं जैसे आज का बहुत ही शानदार टॉपिक जो है अल्टीमेट सर जो है सो थैंक यू वेरी मच और सभी लीडर को बहुत बहुत शुभकामनाएं डोंट मिस इट दुबई अबू धाबी टूर जो है अभी भी इसमें चमत्कार हो सकता है ये जो तीन हफ्ते है ना दोस्तों ये तीन हफ्ते की जो अभी सेकेंड वीक की क्लोजिंग है आने वाले दो दिनों में और फिर पंद्रह दिन आपके पास और होंगे अगले दो वीक जो है इसमें बहुत कुछ नया हो सकता है इन पंद्रह दिनों में भी अगर आपने बारह ढंग के लोगों को सिलेक्ट कर लिया उनको प्लेटिनम बना दिया या प्लेटिनम से ज्वाइन करवा लिया बारह ढंग के लोग तो आप दुबई में मिलेंगे भले ही आप कल ज्वाइन कर रहे हैं बारह लोगों को अगर आपने प्लेटिनम डन कर दिया आप हम सब दुबई में त्यास की थर्टी थर्ड एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे इंजॉय कर रहे होंगे तो आप सबके लिए बिस, बेस्ट विशेस के साथ-साथ हेलो टियांस हेलो याई बेटर टियांस बेटर लाइफ आई लव टियंस आई लव आईटीआईनेस सिस्टम आई एम अ डायमंड वी ऑल आर डायमंड गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर वंडरफुल वंडरफुल सर बहुत ही जबरदस्त आपकी फीलिंग्स और बड़ी बात है कि आप हमेशा ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड में रहते हैं ये आपकी कामयाबी का राज है वनीता राज जी की कामयाबी का नंबर वन सिर्फ राज्यूट आपकी कामयाबी का नंबर वन राज है ग्रेटिच्यूट का अपनी कामयाबी का मैं नंबर वन राज मानता हूं ग्रेटिच्यूड मतलब एक ही क्वालिटी अंदर डाल दो जिंदगी का बेड़ा पार्क और इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे पास कम से कम तीन शेयरिंग है आज और इनको भी लेने से पहले जिनको ले रहा था मैं आपको लेने से पहले मैं लूंगा निर्मला जी को राइट तो निर्मला जी ने एक बीड़ा उठाया है कि सर मतलब मैंने कहा ना कि ये करना प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना एक चैलेंज होता है जी निर्मला जी वेलकम मैं आप ही को ढूंढ रहा था मिल गई मुझे आप नई ब्रॉन्ज लाइन बनी है और आपने ब्रॉन्ज लाइन बनते ही हालांकि ब्रॉन्ज लाइन बनने से पहले ही आसार नजर आ रहे थे मुझे पिछले छः आठ महीने से बट अभी बहुत चेंजेस हैं और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर अमनीश कुमार पंचाल सर का हाथ आपके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट है हर तरीके से कि आप आगे बढ़ो मैं आपके साथ में खड़ा हूँ और फिर हम तो ही है सुपर वेलकम अविदा जोश कैसी तैयारी है और मुझे तो पता चला कि सुशील जी और आपकी जो गठबंधन है ना बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है मैं आपको बताऊं आपके लिए अब ब्रॉन्ज लोइन के लिए, लिए मैं एक पार्टी करने वाला हूँ ये जो दिल्ली एन सी एन वा, सी आर वालों की बोल रहा हूँ मैं अब बाहर वालों के लिए बाहरी आ जाऊंगा मैं चिंता मत करें है ना आपको दिल्ली आने की जरूरत तो नहीं है बाहर वालों के लिए वहीं आ जाऊंगा बट दिल्ली एनसीआर वालों की एक पार्टी हम करेंगे ब्रॉन्ज लोइने की इसी खुशी में ये देखो खड़े खड़े हमने बोल दिया अचानक वेलकम निर्मला जी हविता जोश यस सर यस सर गुड मॉर्निंग सर वेलकम और पैनल में बैठे सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और यस सर पांचाल सर का तो हाथ है ही तभी हम कर पा रहे हैं क्योंकि मैंने कल भी बताया था अब की बार मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि कैसे होगा और आसानी से होता जा रहा है और सुशील मैम का सर पूरा पूरा सपोर्ट है और कह रहे हैं ना कि डबल इंजन की सरकार तो वो सुशील मैम के साथ में है सर और सुशील मैम को मैं पहले भी बहुत मतलब ये है कि उनकी हर बातें मुझे अच्छी लगती है उनका काम करने का तरीका लेकिन जो ग्रोथ और जो मैं सीखती हूँ ना वो आई नेट सिस्टम से बस मैं एक ही चीज़ मानती हूँ सर कि सिस्टम से बढ़ के कुछ भी नहीं है अगर हम इसको फॉलो कर ले तो हंड्रेड परसेंट हमारा काम आसान होता चला जाएगा और यही मैं हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर मेहनत कम करनी है ग्रोथ ज़्यादा तो सिस्टम को और सीनियर को फॉलो कर लो अपने आप हाँ आसानी से हो जाएगा आज मैं आज मेरा सर हंड्रेड परसेंट मेरा जो टूर का था वो होता क्योंकि मैं सेल नहीं डाल पाई और मैं पासपोर्ट ऑफिस गई और पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद मैं इतनी वो हो गई क्योंकि वहां पे जाके एक ऑफिसर ऐसा मिला कि वो बोले डॉक्यूमेंट्स दिखाओ आपके दिखाए तो सब कुछ क्लियर उसके बाद में सर उन्होंने बोला कि कहा जाना है मैं कि दुबई कह रहे दुबई कैसे जाओगे आप कितने पढ़ रहे हो मैं कि छे तो कह रहे छह पढ़ रहे दुबई नहीं जाते क्या करोगे तो मैं क-, क-, बोले, बोले किस उससे जाते हूँ मैं बोलियो कि मैं मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती हूँ कह रहे छह पढ़ रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हुए मैं हाँ तो बोलो कि कौन ले जा रहे मैं ट्यांस तो की वजह से मैं दुबई जा रही हूँ और बहुत सारे लीडर जा रहे, रहे हैं मैं सर आज मेरा पोस्टर नहीं आया क्योंकि मैं आज आपके डेट थी यहाँ पे कल अगर मैं आपके पास आती तो शायद आज मेरी क्लोजिंग हो जाती फिर मैंने औरों का दिखाया कह रहा अच्छा इसलिए तो दुबई जा रहे हो तो बस मैं पहली बार गई थी नर्वस हो रही थी बेटी मेरी बाहर थी और मैं काउंटर गलत बैठ गई और टाइम हो गया तो इसलिए वहां का भी नहीं हो पाया और ये भी तो कोई दिक्कत नहीं थी मैं कि चलो कल कर लूंगी और मेरे लीडर्स ने बोला कि कोई बात नहीं हम सुबह सुबह सेल डाल देंगे मैडम और बहुत जोश है सर टीम में भी कि सबको ये है कि बहुत अच्छी तरीके से हमें करना है और सबका स्वागत है सर और सुशील मैम का अभी भी आया कि मुझे टिकट करानी है मैडम कितनी है तो मैंने उनको यही बोले कि पहले आप अपने लीडर्स के नाम दीजिए मैडम जो सेवन है जिनका सेलिब्रेशन वहां पर होने वाला है क्योंकि तो सर ने लिस्ट मांगी है तो बहुत अच्छा लगता है सर सिस्टम के साथ में और मैं तो यही कहती हूँ सर कि सीनियर सही पार उतारते हैं जब सीनियर्स को फॉलो करते हैं मैं यहाँ पे बैठे जो थाईलैंड में गए उनकी जो अचीवमेंट को देखती हूँ उनके चेहरे की खुशी को तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी दुबई हो जाऊंगी तो मेरे चेहरे पे भी कितनी खुशी होगी और मैं कभी सोच भी नहीं पा रही थी कि गुड़गांव से बाहर कभी निकलूंगी और नेटवर्क मार्केटिंग की तो बहुत दूर की बात है और मुझे जब मैं बात कर रही थी सर एक लेडीज थी मेरे वहां से रोहतक से वो बोल रही मैं दुबई जा रही हूँ यहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं वहां पे सेटल हो जाएंगे यहाँ पैसे कम है मैंने उनको यहाँ काम बताया कि आप दुबई एक साल के लिए जा रही बोले, एक साल के लिए दुबई जाऊंगी फिर वापस आ जाऊंगी बच्चों को छोड़ के तो मैंने इस काम के बारे में बताया सर बोली मैं अपने हस्बैंड से बात कर मैं कि हाँ हंड्रेड परसेंट करो तो मैंने सर बात करी और वो काम करने के लिए रेडी होगी लेकिन आप दुबई में दुबई में जाके वो भी सिलाई करोगे अब दुबई में यहाँ पे रह के दुबई में काम करो ना एक सौ नब्बे देशों में काम करो और वो भी गिर में घूमो तो सर वो, वो, वो खुश हो गई इस काम को करने के लिए तो ये त्यांस की पावर है और ये आईडी सिस्टम की पावर है कि मैं उसको बता पाई और बस इत, इतना ही बोलूंगी सर कि बहुत खुश है बारह तारीख को लेके और सबका स्वागत है वेलकम है सर और सर का तो साथ है हंड्रेड परसेंट है क्योंकि उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती तो और टीम के बिना तो हैलो टियां हेलो गो चलो दुबई थैंक यू सर थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत शानदार और सबसे बढ़िया अंदाज लास्ट का कि जब भी आपको लगे की अब मैंने कुछ ज्यादा बोल लिया हूँ या बोल ली हूँ तुरंत मैजिकल मंत्र पे आ जाओ चैप्टर खत्म ये मत सोचो कि क्या सोचेंगे आप सब समझ जाते हैं अरे भाई देखो कट मार दिया तो ऐसे कट मारना है जब भी कभी स्पीच मतलब कभी भी हो ऐसा मौका बट मैंने देखा कि निर्मला जी ने ये बात बड़ी ध्यान रखी है ये बात इस तरीके से बार कर चुकी है सुपर इससे पता चलता कि आप लर्न करते हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो चीजों को अगली आवाज है सुशील छिकारा जी की और फिर डॉक्टर साहब भी लाइन में है वेलकम सुशील जी बहुत अच्छा लगता है जब मैं इतना एक दूसरे के साथ में आ, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट प्यार कोऑर्डिनेशन अंडरस्टैंडिंग है ना ये जो है ना जिसमें मैजिक है इसकी जगह लोग क्या करते हैं जेलस हो जाते हैं है ना मतलब दूसरा को ज़्यादा तारीफ़ कर दी तो भैया उनका तो खून जल के रहा हो जाता है गड़बड़ है ना कि हमारा तो सर आज मुड़ ही खराब हो गया मतलब मुड़ भी ख़राब हो जाता है कि आपने उसकी तारीफ़ ज़्यादा कर दी मैंने कहा जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा दस गुना सौ गुना हज़ार गुना एक लाख गुना कितना भी हो सकता है बहुत शानदार सुशील जी आप हैं हीरो हरियाणा टीम के टियांस इंटरनेशनल के बेशक अभी कुछ लीडर होंगे हरियाणा में जो आप लोगों से थोड़े सीनियर हैं बट मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले साल दो साल तीन साल बाद ना फिर तो वही वाली बात है अपा ही अपा होंगे हाँ जी ओवर टू यू वेलकम सुशील जी स्वागत है आपका सर थैंक यू सो मच सर इतना मान सम्मान देने के लिए और पैनल में बैठे सभी सीनियर को गुड मॉर्निंग और सर आज का जो सेशन था सर जबरदस्त सुपर से भी ऊपर सर एक एक चीजें को अगर जिस भी लीडर ने सर फॉलो कर लिया ना सर तो यहाँ से वो गोल्ड लाइन और डायरेक्टर तो डन है सर और सर बात करें जो कंप्लेंट की आज भी हम देखते हैं बहुत सारे डर्स की छोटी छोटी बातों तो को लेके कंप्लेंट करते हैं कई बार फील होता है सर कि उनको आज भी नहीं पता कि वो काम अपने लिए कर रहे सीनियर के लिए नहीं कर रहे सर, आप कुछ कहना चाह रहे कल भी ठीक नौ बजे कल शुरू कर दूंगा मैं अपनी दुकान अब मैंने देख लिया लोगों ने अपने हिसाब से आना है मुझे भी अपने हिसाब से चलना है तो मैं ठीक अपनी नौ दुकान को खोलूंगा नौ बजे 20-25 मिनट में निपटा दूंगा उसके बाद आप लोगों को शेयरिंग बाकी बंद कब होगी तो वो मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि हम कई बार फेल हो चुके हैं इस मामले में है ना क्योंकि टारगेट नौ से दस का ही था हमारा ये दस के साढ़े भी होते हैं और जिस दिन हम ज़्यादा खुश होते तो भी भी हैं तो उस दिन हम ग्यारह भी बता देते हैं भाई खुश तो हमेशा होते हैं कुछ दिन ज़्यादा हो जाता है जब जी जी तो कल शाम को ठीक नौ बजे जो है एक मैं ऑलमोस्ट जब भी आऊंगा तो कैप्सूल देने के लिए आऊंगा और अब यही आई नेट का मतलब है पहले आधा घंटा जो आएगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा बाकी अगर आपको सिर्फ शेयरिंग सुननी है बजे बजे के बाद आओ नो प्रॉब्लम जी बिल्कुल सर सर दुकान खुलेगी तो पंद्रह मिनट पहले हम भी लाइन में होंगे क्योंकि सर हमें तो सीखना है यहाँ से और आगे बढ़ना है सर और कंप्लेंट की बात करूं सर सिस्टम में आने से पहले हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी एक्सेप्ट करते हैं सर ऐसे नहीं थे कि ऐसे इटल जैसे आ जाए ऐसे ही थे लेकिन जिस दिन से सर सिस्टम में आए सारी कमियों को खत्म कर दिया कोई कंप्लेंट नहीं सर गलती से दिमाग में आ भी जाए तो एक ही मैसेज देते हैं कि सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट तो ये चीज समझ आ चुकी है सर और टीम भी आज सिस्टम में फायर्ड है सर बहुत अच्छा काम कर रही है और सर वनीता जी वाली बात है सर अभी अब तो सर रोक करेंगे और टॉप करेंगे और बिल्कुल करना सर अपने आप को आपको सर पूरी तरह आईडीनेट सिस्टम में और सर फील्ड में उतार दिया सर किसी भी कीमत पे किसी भी टीम का किसी भी सर लीडर्स का कोई एक्सक्यूज नहीं और सर एक चीज आईडी सिस्टम से सीखी है कि आप लोगों को सर रिजेक्ट करना सीखे जब तक आप रिजेक्ट सर नहीं दोगे तो सर आप आगे नहीं बढ़ सकते एक लीडर की यही पहचान है अगर कोई आता है तो बेस्ट सर वरना नेक्स्ट ये चीजें सीख चुके हैं सर और जबरदस्त सर काम चल रहा है अभी मैं अपनी टीम में सर जो कहते ना जो एक जो एनर्जी में देख पा रही हूँ सर बहुत ही जबरदस्त सर एक से एक लीडर्स आगे आ रहा है सर और वो इतना जबरदस्त वर्क कर रहा सर आगे रह के बोल रहा कि मैम अब तो हमें कुछ करना है अब हमें ब्रॉन्ज बढ़ना है अब तक नहीं किया ना वो अब करना है और सर बात करें जैसे हमें पता लगा सर की गुड़गांव में प्रोग्राम है और सर उस प्रोग्राम में आप भी आ रहे हैं तो सच में सर हमने उसी दिन से यहाँ से कहते ना सर उस पर, उसको प्रमोट करना शुरू किया और सर चालीस लीडर की टिकट मैं अभी ऑलरेडी अपने पास पेमेंट ले चुकी हूँ सर और हंड्रेड परसेंट है सर प्लस प्लस करके आऊंगी आऊंगी सर 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 क्योंकि अब एक ही चीज ठान लिया कि ज्यादा से ज्यादा टीम को सर वहां पे बिठाना है माहौल देना सर उनको आईडी सिस्टम से जोड़ना सर जो सिस्टम में आता है सर उनके साथ दिन और रात खड़ी हूँ सर और जो सिस्टम में नहीं आता सर उसके साथ मैं भी नहीं हूँ क्योंकि जो सिस्टम में है सर सिस्टम उसी को दे सकता है और ये चीजें सर हमने सीखी आईडीनेट सिस्टम से हर एक के लीडर से जो यहाँ पे आके शेयरिंग करता है अवनीता जी से योगराज सर से शेखर सर से वासुदेव सर से आपसे जितने भी सर सीनियर्स लीडर हैं उन सब से सर और आज हमें कोई नेगेटिव नहीं कर सकता सर बहुत सारे लीडर्स आते हैं बहुत सारी कंप्लेंट होती है सर लेकिन उसके ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है और हमें तो सर एक ही चीज समझ आती है कि आज भी ये सिस्टम में बैठ के सिस्टम को नहीं समझ पा रहे तो यह सर इनकी बदकिस्मती है लेकिन हमें समझ आ चुका है सर ये हमारे लिए खुशकिस्मती है सर और हमेशा जितने भी समझदार लोग हैं वो मौके की तलाश में होते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वो कूद पड़ते हैं और उसका फायदा उठाते हैं तो सर हमें तो अब मौके की तलाश है और जो भी गुड़गांव में प्रोग्राम हो रहा है वो हमारे लिए मौके से कम नहीं है और हमें उसका फायदा उठाना ये कलियर है सर तो थैंक यू सर थैंक यू सो मच और जितने भी लीडर्स थाईलैंड घूम के आए सर सभी को कंग्रेचुलेशन बहुत ही जबरदस्त सर हमारे बीच में माहौल इतना शानदार सर जो वीडियो देखते हैं सर और जहां भी बेचते ना सर सभी के सभी इतने एक्टिव होते हैं सर आज मैं अगर बात करू एक लेडीज से मिली सर मैं उसी साइड गई हुई थी मैंने बात की मैंने उनको डेमो दिया हुआ था सर पहले से और मैंने बोला कि मैम मैं इस साइड आई हुई हूँ अगर आपको पैड की जरूरत हो तो मैं आ जाती हूँ तो बोला कि मैम सॉरी आप है ना आपने लेट फोन किया अभी मैंने दो महीने के इकट्ठा कहीं से ना बाजार से मंगवा लिए मैंने बोला कि मैम जब आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला और उसके बावजूद भी आप बाजार का यूज कर रहे हैं तो मेरे मेरे हिसाब से आपको ना समझ नहीं आया लेकिन फिर भी सर उन्होंने मना कर दिया मैं मिल के आई और उसके बावजूद भी सर जैसे मैं उसके पास बैठी मैं प्रोडक्ट साथ लेके गई सैनिटरी पैड लेके गई सर पेस्ट के बारे में बताया वो सारे प्रोडक्ट भी देकर आई सर और साथ में आई लेके आई तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं कि मना कर दिया लेकिन मिलते नहीं है और आज बहुत सारी टिकटें तो सर ऐसी है जो मैंने जाके पेमेंट उठाई है जिनकी बुक की है लेकिन एक ही चीज सामने से बोले कि पेमेंट डाल दो अभी एक चीज और सीखे सीख चुके हैं सर आईनेट सिस्टम से कि सर नहीं है खास करके पैसे के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं शर्माना है और मैं यहाँ से डायरेक्ट बोलती हूँ सर कि पेमेंट जल्दी डालो सुबह नहीं और दोबारा पूछ लेती हूँ सर फोन कब करना है या तो सामने वाला सर उस टाइम तक खुद ही डाल देता वरना दोबारा फोन करते हो और सामने से समझ जाते हैं कि मैडम ने फोन क्यों किया तो थैंक यू सर थैंक यू सो मच इतनी एजुकेशन के लिए इतना कुछ सपोर्ट करने के लिए और सर हमेशा मैं थैंक्स करती हूँ अपने मेंटोर का डॉक्टर ए के पांचाल सर का जब तक सर इस दुनिया में हूँ तब तक करती रहूंगी क्योंकि आज मुझे जो मिला ना सर वो आर्डिनेट सिस्टम से सीनियर से और मैं थैंक्स करूंगी सर मेरे हस्बैंड का जिन्होंने मुझे मौका दिया और इस लायक किया आज हम फील्ड में जाते हैं सर हजारों लोगों के बीच में होते हैं लेकिन उनका जो विश्वास होता है सर उसके ऊपर ही आज हम आगे बढ़ पा रहे हैं तो सभी का थैंक्स पेरिस टीम का लास्ट में हेलो टियां टाइफ आई लव टेट सिस्टम आई मे आर डायमंड गो गोल्ड लाइन एवरी वन सुन थैंक यू सर थैंक यू सो मच और जाना सर अबू धाबी दुबई हंड्रेडेंट कोशिश है sir. और और तो किसी भी so much, भी भी कीमत पे बढ़ना बहुत शानदार. जाना जाना अबू है है. ये जरूरी है सबको ऐड करना है अपनी स्पीच में लास्ट में जो है और बहुत सारे लीडर बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से एक है सुशील छिकारा जी और ये है वो लोग जो बिल्कुल कमिटेड हैं अगली आवाज है आज की फाइनल स्पीच है ये कोई और नहीं हमारे अपकमिंग डायरेक्टर आवर गोल्ड लाइन फ्रॉम दिल्ली डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर वेलकम सर अविदा जोश ओवर टू यू तो इट वेरी हाई सर शानदार जबरदस्त सुपर सीरियल पर और आज का सेशन आपकी जो ट्रेनिंग है वास्तव में लाजवाब रहती है शानदार तरीके से जबरदस्त तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं को हम लोग फॉलो कर रहे हैं सुपर तरीके से आज काम काम की धूम है हर तरफ और सुशील चिकारा जी है इन्होंने ही जबरदस्त तरीके से हंड्रेड परसेंट कॉपी किया है वास्तव में रियली से हम लोग हमेशा हर जगह इस बात को बोलते हैं कि अगर कॉपी करना है तो सुशील छिकारा की तरह और यही चीजें हमने जो बताई निर्मला जी को और आज खुशी की बात है कि निर्मला जी भी हंड्रेड परसेंट कॉपी कर रही है जैसे उनको बता दिया वैसे इन्होंने कर दिया और यही सच्चाई है कि जो लीडर आने वाले हैं वो अगर इस चीज को फॉलो कर लेंगे तो मेरा मानना यह है कि वो भी पंचानवे परसेंट लोगों से निकल के पांच परसेंट लोगों में आ जाएंगे क्योंकि इसी से पता लगता है कि उस इंसान का लक्ष्य है और वो जीवन में कुछ करना चाहता है क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि लक्ष्यहीन मनुष्य वो पशु के समान है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है इसीलिए अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे यहां से गोल्डलाइन बनना है मुझे यहां से टूर अचीवर बनना है मुझे यहां से डायरेक्टर बनना है। और जिस दिन आपने इस चीज को ठान लिया और सबसे पहले जितने भी काम है दुनिया में उन काम से पहले अगर अपने लक्ष्य को आपने महत्व दिया इज्जत दी रिस्पेक्ट दी तो मेरा मानना यह है कि जो काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो कितना भी भारी क्यों ना हो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है आसान हो जाता है और सच्चाई है कि जो इंसान वास्तव में अपने काम के प्रति सच्चा है ईमानदार है उसका दिन पूरे दिन में फूर्देसी देसी निकल जाता है पता नहीं लगता और जिनका कोई लक्ष्य नहीं मैं देखा है उनको दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार बड़ा लंबा दिन हो गया आज तो बड़ी गर्मी है आज तो बड़ी समस्याएं उसके साथ हमेशा मैंने देखा है। तो इसीलिए लगे रहिए टिके रहिए शानदार तरीके से और हम लोग सभी लोग का शानदार तरीके स्वागत के लिए तैयार है बारह तारीख को और बारह तारीख को हम लोग गुड़गांव में धमाल मचाएंगे जबरदस्त तरीके से क्योंकि ये प्रोग्राम तो पहले ही जो न सुपर हिट हो चुका है अभी भी मेरे पास कई लेकिन लीडर्स के फोन आए हैं कि सर हमारी भी फोटो लगवा दो सर हमें भी जो है टिकट दिलवा दो तो ये चीजें आज हम लोग को दिखाई दे रही है लेकिन सर जैसे आपने हमें बताया गाइड किया क्योंकि हॉल छोटा है ज्यादा बड़ा नहीं है दो सौ वहां पर सीटें लगेंगी हमने खेच ताण के वहां पे ढाई सौ लगाने का हमारा विचार है तो वो जो हॉल है वो पहले से ही फुल हो चुका है और इसीलिए आप लोग देख लीजिए जो भी है आप लोगों के पास हमारे पास कल का और परसों का टाइम है आप देखिए कि जो ना मैं निर्मला जी से बात करूंगा कि कितनी टिकट अभी बची पड़ी है तो शानदार तरीके से जो प्रोग्राम हो रहा है और सर आपका बहुत बड़ा थैंक यू कि आपकी अध्यक्षता में ये सारा काम हो रहा है तो सुपर हिट शानदार हम लोग मिलने को तैयार है आपकी ट्रेनिंग्स के लिए आपके एक्सपीरियंस के लिए सभी लोग इतने एक्साइटेड है सुपर हिट प्रोग्राम है सर ये तो जबरदस्त मैं तो कहता हूं लगे रहो टिके रहो और दोस्तों सभी से कहता हूं कि आ जाओ इसमें मजा है अगर ये नहीं है जीवन दोस्तों एक बहुत बड़ी सजा है और सजा से हमें बचना है और अपने लोगों को बचाना है जिसको आप अपना समझते हैं उसको आप कोशिश करिए आज नहीं कल नहीं परसों नहीं उसको समझ में आएगा जैसे सुशील जी डेमो दिखा के आई और फिर दोबारा से उन्होंने कभी पूछा नहीं और उसके बाद सुशील जी ने ही फिर दोबारा फोन किया और उनको फिर एक छोटी सी नसीहत दी कि लगता है कि मैडम मैंने डेमो दिखाया आपको आपको बताया आपको समझ में नहीं आया मेरा वो डेमो दिखाना आपको सार्थक नहीं हुआ यानी कि वो मेरा सब कुछ काम खराब हो गया जो मैंने आपको बताया था और फिर भी उसके बाद आप वो पैड लिया से जिनके प्रति हम लोगों ने डेमो दिखाया था और कमाल की बात है उसको समझ में आई बात तो उसने अपनी आईडी भी दी और उसने जो है ना वहां से प्रोडक्ट भी लिए आप सोचिए अब वो लेडीज वो कस्टमर उसका परमानेंट कस्टमर बन गया इसीलिए हमेशा आप अपने कस्टमर को अपने ग्राहक को आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक कदम आगे बढ़ा के लोग पीछे हटाते हैं आगे बगड़ा के और उसके चल के तो देखिए और रियल में जो फॉलोअप है वो यही कहता है बिजनेस भी यही कहता है कि 80 परसेंट तो फॉलोअप होता है सिर्फ वर्किंग तो 20 परसेंट है तो आज नहीं तो कल कल ही तो परस हो उसको समझ में आएगा हमारा काम तो यही है समझाने का ही आप सोचिए 20 साल से बाल साहब हमें समझा रहे हैं कितने लोगों को समझा दिया आज भी समझाते रहते हैं तो इसी तरह से यही काम हमें करना है तो दोस्तों हमें अपने लोगों को मजा में लेके आना है वो हार नहीं मानेंगे तो हम भी हार मारने वाले नहीं तो दोस्तों रियल में हमारा धर्म हमारा कर्म वो यही है कि हम हद की हद तक प्रयास करेंगे और उन लोगों तक पहुंचेंगे कभी तो उसको शर्म आएगी तो दोस्तों मजा में लेके आना है और दोस्तों सजा से बचाना है तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है मैं तो सभी से एक ही बात कहता हूं कि दोस्तों रख हौसला रख हौसला ये मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा थक कर मत बैठ और मंजिल के मुसाफिर ये सारा का सारा जीवन भी आएगा और दोस्तों जीने का मजा भी आएगा तो थैंक यू सर थैंक यू मुझे मौका देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मिस्टर सर का पाल सर का और जितनी मेरी इंटायर टीम है आज मुझे दिल से मानती है मेरे साथ चलती है काम कर रहे हैं सब का तह दिल से आभार प्रकट करते हैं और अपनी फैमिली का तो थैंक यू सर थैंक यू हेलो त्यांस हेलो बेटर त्यांस बेटर लाइफ आई लव चांस आई लव आई सिस्टम आई एम ए आर डायमंड और गो गोल्ड लाइन एवरी वन सुन और, और दुबई तो हर हाल में जाना ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए दिन हो या रात हो हमें इतनी मेहनत करनी है कि दोस्तों हमारा ये टारगेट है ये हमारे से हमारी मेहनत से बहुत छोटा हो जाए इसको पूरा हो जाए एक एक मिनट कीमती है एक एक मिनट कीमती जब हमने इस काम किया है सुशील जी साहब ने एक एक मिनट के लिए हम लोग लड़े हैं रात के बारह बारह बजे तक सेल हमने जब तक पैनल बंद नहीं हो गया तब तक सेल चढ़वाई है लेकिन उस टारगेट को अंजाम दिया है ये करना है तो उसी तरह से काम करना पड़ेगा पंद्रह से बीस दिन हमारे पास जो बच्चे हैं बस समझ लो अब जो है ना शुरुआत होगी ये जंग की हार और जीत की तो थैंक यू सर थैंक यू मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद अमेजिंग सर बहुत ही शानदार बहुत खूबसूरत वही वाली बात है कि आपको भी सुनते रहें ऐसा मन करता है और आपके पास भी भंडार है एक्सपीरियंस का और आप हिंदुस्तान के वन ऑफ द सक्सेसफुल गोल्ड लाइन जो मजबूत गोल्ड लाइन होते हैं ना उन गोल्ड लाइन में से एक उसकी मेन वजह यही रही है कि आप कर्मठ हैं बहुत मेहनती हैं और दोस्तों कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है ना जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलेगा मिलेगा लेकिन जो मेहनती इंसान है ना उसकी जो किस्मत में नहीं लिखा है ना वो भी मिलेगा दिस इज द डिफरेंस मेहनत सही जगह पर अब कोई रिक्शा चला ले ऑटो चला ले गदा मजदूरी कर लेना कितनी मेहनत करे वहां नहीं मेहनत करना है बट सही जगह पर एक आदमी बोलता हूँ मैं नौकरी में बहुत मेहनत करता हूँ एक आदमी दूसरे कामों में बहुत मेहनत करता है लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाती है क्योंकि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड स्पीड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन सही डायरेक्शन में अगर स्पीड अगर स्लो भी होगी ना तब भी पहुंच जाओगे आप गलत डायरेक्शन में चले गए कितनी स्वीडो मामला गड़बड़ हो जाएगा बहुत शानदार सर मजा आता है और ये दिल्ली एनसीआर में हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं मैं आपको इतना बताऊंगा क्या इंटरनेशनल के इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म में दिल्ली एनसीआर में मजबूत होने का मतलब पूरे देश में मजबूत और वैसे भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पर हम सब लोगों ने जो मेहनत तो बढ़ाई हुई है ये जबरदस्त रोल निभाने वाली है सबकी बी घर, बंगला, गाड़ी लेना देना सब कुछ उस जिंदगी की तमन्ना करो कल्पना करो वो जिंदगी आपकी और आपके परिवार की बनने वाली है और ज्यादा बोल नहीं रहा हूं मैं साल दो साल तीन साल अगले तीन साल बाद देखना इस पैनल में बैठे हुए कितने लोग एक अल्टीमेट लाइफ स्टाइल में पहुंच चुके होंगे और आप उनको देख रहे होंगे कि सर ये तो हमारे सामने बने हैं मैं तो इक्कीस साल से हूं मेरी तो मत पूछो लेकिन जो अभी जुम्मा जुम्मा साल दो साल से लगे हैं ना तो बहुत मज़ा आने वाला है तो अगले अब हैं अठारह दिन जैसे सर ने कहा इन अठारह दिन में ज़बरदस्त धमाल लगाइए जो लगा दीजिए दुबई तो धाबी तो जाना ही जाना है राइट right? और एक ही बात याद रखनी है कि गोल्ड लाइन बनना है दुनिया इधर की उधर हो जाए कुछ भी हो जाए घर वालों को बाहर वालों को दुनिया वालों को सबको बोल दो अब तो जब ही बात करेंगे जब गोल्ड लाइन बन जाएंगे या तो गोल्ड लाइन बनने में मदद करो नहीं तो तुम्हारे बिना भी हम गोल्ड लाइन तो बनेंगे या तो तुम्हारे संग नहीं तो तुम्हारे बिना लेकिन बन के जरूर दिखाएंगे मैं बताऊ एंट्री मिलेगी एंट्री बुला यार ये गोल्डन लाइन बनेगा ना कुछ तो हमारा भी योगदान रहना चाहिए क्योंकि बोल सकते हैं ना अरे तुम गोल्ड लाइन हमारी वजह से भी तो बने हो मैं बताऊ लोग अपने चक्कर में करते हैं हर इंसान के सामने जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो ना उसको ये वाली बात बोलो मेरे गोल्ड लाइन बनने में क्या मदद करोगे चोरी करना डाका डालना झूठ फरेब ठगी ये पाप है किसी से मदद मांगना पाप नहीं है और मदद इंसान वो मांगता है जो मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहता है वो बोलता है कि आज मांग रहा हूँ ना कल को ये मांगेगा तो मैं भी तो दूंगा ना भाई जितनी औकात होगी उतनी तो मांगेगा आपकी औकात से ज्यादा थोड़ी मांगेगा कोई तो फिर क्यों टेंशन लोग लो इसी टेंशन में नहीं मदद करते हैं मदद मांगते हैं यार आज तो मैं मांग रहा हूं एहसान हो जाएगा कल को ना इसकी माननी पड़ेगी कल को आपकी किस्मत थोड़ी ले जाएगा आपको थोड़ी खरीद लेगा आपको थोड़ी बेच देगा वो है ना जो आपके बस की होगी ना बेस्ट ऑफ यू आपको करना चाहिए राइट बस यही तो बातें इन्हीं में खेल हो रहा है मैं बता रहा हूं पकड़ लो यूज कर लो खेला हो बे सुना था ना खेला हो बे कोई बात नहीं बताएंगे दुबई आओगे ना जब बताएंगे खेला हो भी क्या था ये अब मैं आपको कह रहा हूँ अनम्यूट बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारी पर्सनलिटीज़ माय बीच में हैं सबके लिए धन्यवाद जो वीडियो में है और जो वीडियो में उनके लिए भी वीडियो में नहीं है उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए कल शाम को ठीक आठ बजकर पचपन मिनट पर ये दुकान खुल जाएगी जूम वेबिनार टीम की आंसर आई सिस्टम फैमिली का और नौ बजे कल और कड़ाकेदार ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए पेश है इस उम्मीद के साथ कि आपने खूब सारी चीजें एजुकेशन ट्रेनिंग मोटिवेशन इंस्पिरेशन की की होंगी आज तो अब आपका मौका है जी कुछ क्या बोलते हैं इसको दक्षिणा देने का है ना वो है सिर्फ मैजिकल मंत्र दिल से और फिर देखते हैं क्या होता है चमत्कार ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्र

thank you very much thank you good night, Bye -bye. Good night